मैं आज करीब करीब 8 साल के बाद स्नेहा ने मैं और स्नेहा जी की प्रोफाइल देख करके वैसे तो मालूम ही रहता है मैं डे टू डे टच में रहता हूँ गिरीश के साथ में और भाई के साथ में तो मालूम तो रहता मुझे क्या हो रहा है बट यहाँ आकर के देख करके एक बहुत अच्छा फील आया किस तरह से काम चल रहा है किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है एंड मैं यही कहूँगा कि बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सारे यंग लोग जो जुड़े हुए हैं स्नेहा से वो इसको एक प्रोफेशन या जॉब नहीं समझ करके इसको एक उद्देश्य है जिसको आगे ले जाना है उस फीलिंग से उस डेडिकेशन से उसके हिसाब से काम करते हैं न समय का परवाह करते हैं न उसकी देखते हैं कहीं देखते हैं कि भाई 5 बज गया 7 बज गया या 8 बज गया और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी को क्योंकि डॉक्टर गिरीश ने जिस तरह से कल्चर डेवलप की है आज मैं करीब करीब 100 इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ पर उसमें मुझे लगता है कि स्नेहालय एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ सबसे ज़्यादा काम करते हुए गिरीश ने खुद को इररेलेवेंट बना लिया है इन द सेंस कि आज गिरीश ने इतनी अच्छी टीम डेवलप कर ली है कि आज गिरीश के बिना भी सब काम स्मूथली एकदम चलता है जो बहुत ही कम संस्थाओं में है ज़्यादातर संस्थाओं में जो उसका मेन काम करने वाला आदमी है वो ही सब डिसाइड करता है उसी के सब कहने से इशारे से काम होता है पर यहाँ एक ऐसा ये आदमी है गिरीश कि गिरीश यदि आज निहालय में अभी भी वैसे उतना कोई डेजिग्नेशन नहीं रखा है सीईओ नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ सर्विस देता है अपनी जहाँ पर ज़रूरत हो और ज़्यादातर लोगों को गाइड करता है उनको इनक्रेज करता है उनको आगे काम ले जाने के लिए मौका देता है और ये गिरीश के इस नेचर की वजह से ही आज हमारे साथ निक है वो 7 साल से यहाँ निहाल को सर्विस दे रहा है ज्वाइस है वो भी लगभग 6-7 साल से यहाँ निहाल के साथ काम कर रही है जस्ट इमेजिन अपना देश अपना घर अपना परिवार अपने क्लोज रिलेशन को छोड़ करके यहाँ ये लोग 6-7 साल से टोटली अपने लिए काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि दे हैव बीन सो इम्प्रेस्ड विद द कैरेक्टर इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द एंटायर टॉप निहाल टीम कि उनको लगा कि भाई इन लोगों की मदद करने से काम और आगे आ जाएगा और अच्छा होगा और हजारों लोगों की मदद होगी इसके लिए वो अपना देश छोड़ करके आज यहाँ हमारे साथ रह करके काम कर रहे हैं इससे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं समझता कि और कोई दे सकता है मेरे को तो बहुत खुशी होती है कि मैं निहाल के टच में आया कॉन्टेक्ट में आया और बहुत सारे लोगों से निहाल को जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि आई हैव बीन एबल टू कनेक्ट निहाल विद सो मेनी पोटेंशियल डोनर्स एंड फ्रेंड्स अभी अब जो नया निहाल 2.0 का जो बनाया है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है काम तो आगे ले जानी पड़ेगा और टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी जो मैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं समझता हूँ पर आज का जो ज़माना है उसमें टेक्नोलॉजी के बिना कोई काम आगे जा नहीं सकता क्योंकि थ्रू टेक्नोलॉजी यू कैन रीच थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल उनको आपके काम के बारे में पता पड़ सकता है उनको आपकी अपील जा सकती है तो बहुत अच्छा है कि अपने इस टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट को भी देख रहे हैं आगे ले जा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है लास्ट में मतलब एक बात आप सब लोगों से कहना चाहूँगा आप सब लोग निहाल के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं तो बहुत अच्छा है आप लोग टोटल डेडिकेशन से काम करते हैं सब है पर हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका खुद का हेल्थ अपने हेल्थ की केयर लीजिए गॉड हेल्थ ब्लेसेड यू विद गुड हेल्थ बहुत अच्छी बात है पर गॉड गिव द ब्लेसिंग ओनली वंस गॉड हैज ब्लेसेड यू विद गुड हेल्थ देन
he also gives you the responsibility of maintaining that good health. उस good health को रखने के लिए भगवान को आप दोष नहीं दे सकते कि मैं क्या करूँ, भगवान ने मेरी तबीयत खराब कर दी। उसके लिए ये जरूरी है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, जो भी आपको आपकी एज के हिसाब से व्यायाम सूट होता है वो करें। किंतु बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब तक आप खुद का आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, ना आप निहारे का काम कर सकेंगे, ना आपका खुद का काम कर सकेंगे, चाहे स्वार्थ का काम हो चाहे परमार्थ का काम हो, कोई भी काम हो बिना अच्छे हेल्थ के हो नहीं सकता है। इसलिए आप अपने खुद का और हेल्थ का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फिर निहालय का काम पूरे जोर शोर से करें। मैं आप सब लोगों को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब मैं दोबारा फिर से यहां आऊंगा उस समय तक निहालय का काम और नई मंदिरों में पहुंच गया होगा। और आप सब लोग यदि आज हजारों लोगों का फायदा कर रहे हैं, उस समय आप लाखों लोगों का फायदा कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये ना जो आज का मीटिंग है उसका कंक्लूडिंग में मैं आदरणीय विलीन सर उनको यहाँ पे बहुत बहुत थैंक्स अर्चण जर आली आपल्या घरातल्या मोठ्या माणसांकडे जाऊन विचारतो त्यांनी की बाबा याचा असा असा आहे, आम्हाला कळत नाही काय करायचं ते, तर त्याप्रमाणे तुम्ही अंकलला विचारू शकता। आपण तुम्हाला निश्चित तुमच्या प्रश्न काय बोलायचं आहे विचारायचं आहे। हमारे सब टीम की तरफ से एक क्वेश्चन मुझे आपको पूछना था, क्या आपने अभी इतने साल की जो जर्नी की है, आपने इतने महान लोगों के साथ, खास करके बाबा अम्बेडकर के साथ काम किया है, इतने सारे देश विदेश की अलग अलग जो संस्था में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे आप उनको हर तक मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो आपको ये सब काम करने में, खुद को इतना ताकत देने में और आपका इतना आगे का दिशा देने में आपको ये रखती है, इंस्पायर रखती है, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हमारी ये सब जो यंगर टीम है ये भी इसके बारे में थोड़ा जान सके। मुझे बचपन से ही अच्छे काम को करने का शौक है, भगवान का आशीर्वाद रहा है, जो कि आप समझे कि भगवान ने बचपन से ही ऐसी प्रेरणा दी। जब मेरे खीसे में एक रुपया नहीं भी रहता था, एक रुपया भी नहीं था, मैं बहुत ही निम्न मध्यम परिवार के उसमें से आया हुआ हूँ, और उस समय भी मेरे मन में ये रहता था कि मैं दूसरे को भी जो भी हेल्प हो सकती है करूँ। तो सिंस आई वॉज गुड इन स्टडीज एंड ऑल दैट, आई यूज टू कोच माई फ्रेंड्स फॉर अवर्स एंड अवर्स विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पैसा फ्रॉम देम। तो वो धीरे धीरे फिर जब मैं प्रोफेशनल उसमें लाइफ में आ गया, तब धीरे धीरे फिर मैंने जब मेरे पास थोड़ा सा खुद मैं अर्न करने लगा, तो मुझे लगा कि भाई इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, मैं तो मेरा काम छोड़ करके उस काम में पूरी तरह से तो नहीं जा सकता हूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज़ टू कंट्रीब्यूट, डोनेट टू देम जनरसली, एंड जो मेरे से हो सकता है करूँ, इंकरेज करूँ, जो मेरे आस पास के लोग हैं उनको भी इसमें एंथुजियास्टिक बनाऊँ, और वही काम मैं आज भी कर रहा हूँ। अभी भी मैं हमेशा दिवाली के समय और क्रिसमस के समय जो मैसेज भेजता हूँ, मतलब आई डोंट सेंड नॉर्मल सीजन ग्रीटिंग्स एंड ऑल दैट, आई ऑलवेज सेंड अ स्टोरी, और जहाँ तक हो सके मैं रियल लाइफ स्टोरी भेज सकता हूँ। इस बार में मैंने गिरीश को भी भेजा है, अभी मैंने एक स्टोरी भेजी है एक सुधा वर्गीस करके एक लेडी के बारे में, जो पटना में एक मूसाहार कम्युनिटी होती है, मूसाहार उसका नाम ऐसा है, मूसा मतलब चूहा और आहार मतलब जो चूहे को अपना आहार समझते हैं कि चूहे मार करके चूहे को खा करके वो लोग अपना काम चलाते हैं। तो सुधा वर्गीस केरला की है, मलयालम लेडी है, और जब उसने ये पटना में बिहार में बहुत गरीबी है ये पढ़ा, उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी और एक मलयालम स्कूल में पढ़ रही थी, केरला की है,
तो उसके मन में ऐसा आया कि मैं वहाँ जाकर के बिहार जाकर के कुछ काम करना चाहता हूँ। उसको ना तो इंग्लिश आती थी क्योंकि लोकल लैंग्वेज के स्कूल में पढ़ती थी, ना उसको हिंदी आती थी, पर बस एक ही लगन उसके मन में थी कि मेरे को तो जाना है वहाँ बिहार में और वहाँ के गरीबों के लिए जाकर के उनकी कुछ ना कुछ मदद करनी। तो वो लेडी चली गई वहाँ पटना किसी एनजीओ के थ्रू एंड ऑल दैट, और वहाँ जाके उसने 16 साल की एज से काम करना शुरू किया। अब भी वो हमारे ऑफिस में, मैंने उसको बुलाया था तो 2 घंटे हमारे साथ थी, और हमारे में से एक आदमी वहाँ 15 दिन जाकर के मूसाहार की कम्युनिटी में रह करके आया था 20 साल पहले। तो वो इतना वो काम इंस्पायरिंग है। तो मैंने अभी दिवाली के इससे क्रिसमस और न्यू ईयर के ग्रीटिंग में उस लेडी के बारे में सब इंफॉर्मेशन सबको भेजी है और अपील की है लोगों से कि भाई जो भी उनकी मदद करना चाहते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ईमेल ये है, फ़ोन नंबर ये है, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए और उनकी मदद करिए। तो ये एक सॉर्ट ऑफ भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है जिसको मैंने मैक्सिमम यूज़ करने का कोशिश किया है, लोगों को एनकरेज करने का कोशिश किया है। और समहा और अदर वो कुछ ऐसा रहा है कि मेरे परिवार के लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। मेरा जो सबसे बड़ा डोनर आज है वो मेरा खुद का बेटा है, तो वो ही गिव्स मी ऑल द मनी दैट आई वांट फॉर हेल्पिंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। उसकी वजह से मतलब ये काम चलते रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जुड़ती जाती हैं, तो भगवान की कृपा से सब काम होता है। और दूसरा, मैंने हमेशा जैसे अभी आप लोगों को बोला, मैंने 16 साल की एज में मेरे मन में ये विचार आ गया था कि भाई गॉड हैज गिवन यू द गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ, बट गॉड गिव यू दिस गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ वंस एंड देन ही ऑल्सो गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग योर गुड हेल्थ बाय रेगुलर एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। तो मैं 16 साल की एज से रेगुलरली उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज का फॉर्म चेंज होते रहा है। अभी मैं पिछले लगभग 30-40 साल से सिर्फ वॉकिंग करता हूँ, पर स्टिल आई वॉक एवरी डे अबाउट 75 मिनट्स। मैंने मेरे जीवन का वन ऑफ दी प्रिंसिपल्स ये भी बना रखा है कि जहाँ भी मुझे मौका मिलता है थोड़ा सा आउट ऑफ दी वे भी जा करके मैं लोगों को इनक्रेज करता हूँ कि भाई काम करो, संस्थाओं के लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, लोगों की भलाई का काम करो, सब करो, पर सबसे पहले अपनी हेल्थ को संभालो, क्योंकि ये सब काम आप तभी कर सकते हो जब आप आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि आप खुद बीमार हैं तो आप क्या करोगे, दूसरे की मदद कर ही नहीं सकते। तो इस तरह का ऐसा भगवान की कृपा समझिए, सबसे बड़ी तो यही बात है कि गॉड ब्लेसेस यू एंड देन इफ यू सॉर्ट ऑफ पिक अप हिज ब्लेसिंग एंड टेक द वर्क फॉरवर्ड, तो आपको मालूम होगा। कई बार लोग ये समझते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से। अरे भाई तुम देखो तो देखो, थोड़ा तुम देखोगे तो दोगे तो तुमको ये मालूम पड़ेगा कि देने से तुम्हारा पैसा कभी कम हो ही नहीं सकता। एज यू गिव, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से यू स्टार्ट रिसीविंग। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज से नैरेट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आई हैव सीन इट इन माई ओन लाइफ, इन माई सन्स लाइफ, कि जब भी हमने दिया है तो हमारा पैसा कम कभी नहीं हुआ है, इट हैज ऑलवेज इंक्रीज। तो आप ट्राई करके देखिए, मतलब ये बोलने से फ़ायदा नहीं है, वैन यू डू इट एंड मतलब आप ये मत कहिए कि भाई मेरी सैलरी तो अभी 15,000 रुपया है या 20,000 रुपया, इसमें से मैं क्या दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, 15,000 या 500 तो स्पेयर कर सकते हो, 500 रुपया स्पेयर करो किसी मतलब ऐसे विद्यार्थी को जो अपनी फीस नहीं दे सक रहा हो, किसी भूखे आदमी को जो खाने का पैसा जुटा नहीं पा रहा हो, हेल्प देम एंड देन यू सी वेदर यूर मनी कम होता है या नहीं होगा। कभी भी नहीं हो सकता, नेचर का लॉ है ये कि जब आप दोगे तो आपको कमी आएगी नहीं। थैंक यू। के हेल्थ के बारे में और उनका रूटीन के बारे में तो मैं एक मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक बात शेयर करना चाहता हूँ जरूर कि अंकल को हेल्थ के लिए, खेल के लिए कितना लगाव है।
कल रात को उन्होंने वर्ल्ड कप फीफा का पूरा मैच देखा है उन्होंने। हम जब खाना खा रहे थे तो वो गेम के बारे में खूबियाँ गेम की खूबियाँ मेरे को समझा रहे थे, तो मुझे भी बहुत ताजुब हुआ। ताजुब तो नहीं हुआ बोल सकता हूँ, ताजुब सब थोड़ा गलत है, लेकिन अंकल का ये भी एक आपको जो पहलू बोलते हैं मराठी में पहलू बोलते हैं, जो एक उनका व्यक्तिमत्व का है, खेल के बारे में लगाव रखना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना, वो इस तरीके का है। तो अंकल इसके बारे में मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछता हूँ कि आप इतने लोगों को मदद करते हैं, इतने लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सामने वाला बर्ताव नहीं करे या कुछ आपने जो सोचा होगा वैसा नहीं होगा, तो फिर वो टाइम आप कैसा वो सिचुएशन कंट्रोल करते हैं और उसमें से हम क्या सीखें? ऐसे कई कई बार होता है कि भाई जो अपनी एक्सपेक्टेशन रहती है उसके हिसाब से काम नहीं होता है, पर उसको मतलब जस्ट उसको मैं कभी सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैं समझता हूँ भाई मैंने मेरा काम कर दिया, अब जो भी करना है आगे भगवान की मर्जी है, वो यदि समझा तो बहुत अच्छा है, नहीं समझा तो भी ठीक है, मेरा तो कोई नुकसान हुआ नहीं, आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। तो यदि उसने मेरे हिसाब से नहीं चला या उसने गलत उस फैसिलिटी का उपयोग किया तो देट इज़ फॉर हिम, देट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ज़्यादातर लोग मैंने ये देखा है कि इतने सारे NGO से मेरा कंसर्न आया, एक आध NGO ये ऐसा निकला है कि जिसने प्रॉपर वो नहीं किया हो या गैर उपयोग किया हो, बाकी ज़्यादातर सब लोग अच्छे हैं बेसिकली, एंड दे हैव रिस्पॉन्डेड वेरी वेरी वेल एंड बहुत अच्छे तरह से काम को आगे। इस तरह से एक आपको गिरीश का ही एग्जांपल दूँ कि गिरीश जो था मतलब इनिशियली बहुत ही मतलब काम तो गिरीश का हमेशा ही 24 कैरेट गोल्ड रहा है, पर पहले बहुत थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों का थोड़ा सा सोशल एटिकेट वगैरह का ध्यान नहीं रखता था, किसी को प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं 12 बजे आ रहा हूँ तुम्हारे साथ लंच खाने का, तो शाम तक उसका पता ही 4 बजे तक 5 बजे तक 6 बजे तक दूसरा आदमी वेट करते रहता था। तो ये गिरीश को धीरे धीरे करके समझाया कि भाई ठीक है वी एडमिट कि तुम्हारे को तुमने कमिट किया लंच का, पर तुम्हारा कोई दूसरा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया तो तुम वो लंच को अटेंड नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू कैन फोन दैट पर्सन कि भाई मैं दूसरा बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मैं वो काम को अटेंड कर रहा हूँ, इसलिए आई एम वेरी सॉरी बट आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन यू फॉर लंच। कम से कम एक फ़ोन तो कर सकते हो। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि धीरे धीरे गिरीश ने ये प्रैक्टिस अब डिवेलप कर ली है। नाउ यदि कहीं किसी कारण से कोई कमिटमेंट नहीं रख सकता है तो ही टेक्स द ट्रबल टू इन्फॉर्म दैट पर्सन कि भाई ये मैं इस कारण से वो मेरा कमिटमेंट रख नहीं पाऊँगा तो मेरे को माफ़ करिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ पॉसिबल होता है मैं लोगों को इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ यदि वो मेरी सलाह को नहीं मानते हैं एंड दे निगलेक्ट तो आई एक्सेप्ट इट कि ठीक है मैंने मेरा काम कर दिया, माने नहीं माने उसकी मर्जी है, मैं दुनिया थोड़ी चला रहा हूँ, आई हैव नो इल्यूजन और नो डिल्यूजन कि आई एम रनिंग दिस वर्ल्ड, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगता है, इसलिए आई एक्सेप्ट इट एंड आई फॉरगेट इट एंड बी हैप्पी। थैंक यू। आणि भारतीय लोकप्रशासन संस्था दिल्लीची अजून आपल्याबरोबर ते 24 तास आहे, त्यांच्या सहवासामधनं जेवढे काय क्षण तुम्हाला व्यस्ता येतील तेवढे जरूर व्हायचा, त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये काही ना काहीतरी घेण्याजोगं असं मी आधी तुम्हाला सांगितलं, तुम्हाला लगेच कळलं असेल की ते कुठल्याही प्रकारचं जटिल कुठलाही त्यांचा तत्वज्ञान नाही त्याच्या मागचं, अत्यंत सिंपल आणि तुमच्या हृदयाला स्पर्श करून जाईल प्रत्येकाला कळेल अशाच भाषेमधले ते बोलतात आणि त्यांचं वागणं पण तसंच आहे, म्हणजे ज्याला आपण आत्ता आपण प्रार्थना म्हणतो त्या प्रार्थनेचे शब्द जर तुम्ही आठवले तर त्या प्रार्थनेप्रमाणे ज्यांचं आयुष्य आहे जे जगतात ते रमेश आंतरे आपण म्हणतो आपला करुणा का जल तू बहाके हर कर दे पावन हर एक मन कर कोना, त्यांची एवढी करुणा कुठे पहा त्यांनी काय सांगितलं,
त्यांनी काही लोकांना मदत केली असेल तरी ते असं म्हणणार नाही की बा मला चार पाच लोकांनी फसवलंय वगैरे काय एखाद्यानी फसवलंय पण ते पण ते काही लावून नाही घेत आणलं ही करुणा नाही तर काय ही खूप मोठं विशाल हृदय आहे आणि त्याच्यामध्ये तेवढीच करुणा आहे ते जेव्हा कधी बोलतात तेव्हा वडीलगीच्याच नात्यातनं बोलतात फक्त मला आठवतं की ज्यावेळेस त्यांनी एक उदाहरण सांगितलं गिरीश सर आपल्या स्नेहालयाला जेव्हापासून त्यांनी मेंटरिंग करायला सुरुवात केली अनेक गोष्टी होत्या आम्हाला मेल लिहिता येत नव्हती आम्ही मेलला उत्तर देत नव्हतो त्यांच्या त्याच्यानंतर त्यांचे पॉईंट वाईज अत्यंत परफेक्ट ड्राफ्टिंग असलेले मेल यायचा क्वेश्चन्स यायचे त्याला काय उत्तर द्यायचं इंग्लिशला कळायचं नाही याला उत्तर कसं द्यायचं असं आत्ता बाई म्हणाले निमेश भाईंच्यांना काय उत्तर द्यायचं कळत नव्हतं ते ॲक्च्युली अंकलचे पण मेल तसेच असायचे आणि गिरीश माझ्यासमोर अंकलची मेल आलेली भेटेल आता उत्तर काय द्यायचं आपल्याला तर या गोष्टी होत्या सगळ्या की त्यांच्या मेंटरिंगमध्ये शिकायला मिळालं एक जाणीव तयार झाली मनामध्ये बघण्याचा दृष्टिकोन सगळा विशाल झाला आम्ही जर दगड असो आमच्या आयुष्याचा त्या परिसराचा स्पर्श झाला आणि आमचं सोनं झालं तुमच्या सगळ्यांच्या आयुष्याचं सोनं व्हावं त्यांच्या सहवासात येऊन एवढीच मी अपेक्षा व्यक्त करतो धन्यवाद. Thank you.
अपने जिंदगी की सबसे यादगार शाम यहाँ पे बिताने आए हैं। आप सबका स्वागत स्नेहालय परिवार की ओर से करता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग मंच पर और सामने विराजमान है, तो सबका तो परिचय करना समय के हिसाब से थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन हम सबके बीच आज मौजूद है श्री रमेश कचोलिया तथा रमेश अंकल। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ यहाँ पे मंच पर विराजमान है श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार स्नेहालय के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और वो अंकल का इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो मंच पर वो भी विराजमान हो जाइए। यहाँ पे उपस्थित है श्री मिलिन कुलकर्णी जो स्नेहालय के चीफ पेट्रन है, संस्था के सेक्रेटरी रह चुके हैं और संस्था को एक शेप दिलाने में जिन लोगों का पिछले 33 सालों में 33 इयर्स में योगदान रहा, उनमें से मिलिन जी हैं। मिलिन जी यहाँ पे मौजूद है। सामने वाले कुछ महानुभावों को मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि वो भी इस मंच पर विराजमान उन्होंने होना है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विश्वस्त और चीफ पेट्रन श्री अरुण जी शेख तथा श्री भाई को कि वो मंच पर विराजमान हो जाए। और भाई आइए। और सर, स्नेहालय संस्था जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि महिलाओं के साथ बच्चों के साथ काम करने वाली संस्था है, तो ऐसा कोई मंच हो ही नहीं सकता जहाँ पे स्नेहालय का मंच खास करके जहाँ पे महिला ना हो। तो मैं हम सबकी ओर से एक प्रतिनिधिक रूप में डॉक्टर मेघना मराठे को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और मंच पर वो भी विराजमान हो। डॉक्टर मेघना मराठे है तो कणकवली की सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट की साइकिल यात्रा के साथ वो हमारे साथ जुड़ी। उम्र दिखती तो कम है लेकिन है कम नहीं, 60 के ऊपर है लेकिन कभी साइकिल चलाते हो थकी नहीं बांग्लादेश बॉर्डर तक, तो ऐसी डॉक्टर मेघना मराठे हमारे बीच मौजूद है। और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पीछे छोड़ के, जबकि अब उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, बच्चे भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर इन लॉ भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो पूरा समय यहाँ आके सेवा करती हैं, मानसिक बीमार लोगों की सेवा करती हैं, दिव्यांग बच्चों के साथ काम करती हैं। तो हम सब में और जो इंटरनेट में डॉक्टर मेघना तो यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम जिस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं वो असल में एक फैमिली फंक्शन है, असल में एक पारिवारिक सम्मेलन है, क्योंकि हमारे भी जितने भी लोग मौजूद है उनके लिए स्नेहालय नया नहीं है। ये लोग यहाँ आए और आज के महानुभव अतिथि जिनसे हम लोग डिस्कोर्स ऑफ लाइफ जिंदगी से संवाद सुनने वाले हैं, तो उनका परिचय हमें कराए। क्योंकि अंकल ही हमारे मुंह पे सबसे पहले उनके लिए ये शब्द आता है, क्योंकि वो स्नेहालय के नहीं तो अपने स्नेहालय जैसी हजारों संस्थाओं के मेंटर है। आज जिस पुस्तक का प्रकाशन होने वाला है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गिरीश सर ने लिखा हुआ ये जो छोटा सा संक्षिप्त अंकल का परिचय है वो जरूर पढ़े। कम शब्दों में उनको इंट्रोडक्शन देना ये बहुत मुश्किल काम है, समय की पाबंदी है। आप सब लोग जानते हैं कि गए 5 साल से हम लोग स्टार्टअप बहुत नाम सुनते हैं। कोई भी आदमी कोई व्यक्ति जब नया कोई बिजनेस चालू करता है नई आइडिया लेके तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है, इतना संक्षिप्त में बताऊंगा। और उसको वो काम करने के लिए जो भी रिसोर्सेस लगते हैं, फंड्स लगते हैं, तो वो जो देने वाले लोग रहते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी या फंडिंग एजेंसीज के नाम से जाना जाता है। ये कंसेप्ट अभी आई है 5 साल पहले, लेकिन 25 साल पहले जो भी ऐसी एनजीओस है, जो व्यक्ति ऐसा कुछ काम करना चाहता है, उसकी नई संकल्पना है दुनिया बदलने के लिए या दुनिया में जो भी है अच्छा बदलाव लाने के लिए, वो पहचान के उसके अंदर की जो ऊर्जा है उसको और जागरूक करने के लिए, उसको क्या चाहिए ये पहचान के उसको वो दिलाने का काम अंकल ने 25 साल पहले चालू किया है। तो एक तरफ से मैं ये कहूँगा कि जितने भी स्टार्टअप एनजीओ
जो है अपने 25 साल में भारत में जो बन रहे थे, उन सब के वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो अपने रमेश जी अंकल है। मुश्किल काम है, कोई आदमी जब नया काम चालू करता है, अभी संत स्नेहालय के साथ कई लोग घुट जाते हैं। गिरीश सर ने एक बीज लगाया, बापू जी ने उसका महत्व तो समझा, तब वहाँ उन्होंने पानी डाला, उसको संभाला, बड़ा किया। अब तो कई लोग आएंगे स्नेहालय के साथ जुड़ेंगे, बहुत नाम हो गया स्नेहालय का, स्नेहालय ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। लेकिन ये शुरुआत में जो कुछ भी लगता है ना, क्योंकि बाद में फिर रमेश जी आए और रमेश जी ने ये पूरा जो वृक्ष है जो बढ़ रहा था उसे एक आकार देने का काम किया। अपनी सिर्फ स्नेहालय की बात नहीं, जैसे मैंने कहा कि कई संस्थाओं के साथ उनका उसी तरह का जो काम चलता है, और जो आपको पैसे की जरूरत रहती है आप अपना इंटेलिजेंस दे सकते हैं, आप अपना नॉलेज दे सकते हैं, आप अपना स्किल दे सकते हैं, सबसे बड़ी चीज जो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपना टाइम दे सकते हैं। ये अंकल ने सिखाया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और सब विचार जितने भी लोग थे उनकी एक संस्था भी उन्होंने बनाई केयरिंग फ्रेंड नाम से, ताकि जाके वो सब लोग आके मिल सके और जो भी है जो फंड्स आते हैं वो ऐसी संस्थाओं के पास तक जाते रहे। और उनका खुद का ये देखना रहता है हमेशा, वो वहाँ जाते हैं, देखते हैं, हर एक कोने से पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये जो आ रहा है फंडिंग से जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। बेनिफिट कर रहे हो, लेकिन देना भी हमको अंकल जी ने सिखाया है। आप सोचिए जरा, सांगली में जब बाढ़ आई थी स्नेहालय के लोग गए, चेन्नई में बाढ़ आई थी स्नेहालय के लोग चले गए, कोविड का जब इतना बड़ा प्रकोप चल रहा था स्नेहालय वहां खड़ा रहा, तो दूसरों को मदद करने के लिए भी स्नेहालय हमेशा खड़ी रहती है। ये अंकल की देन है हमारे ऊपर, हमारा ऊपर उनकी ये बड़े बहुत बड़े उपकार है कि ये सोच उन्होंने हमको दे दी। सिर्फ ले और अपने ही जो कुछ उद्दिष्ट है उसमें आप अटक के मत बैठो, आप जहां भी कुछ जो भी कुछ कर सकते हो। और ये सब मैं बहुत आनंद के साथ कहूंगा अंकल जी की ये हमारे कार्यकर्ता तक ये सोच पहुंची है आज आपकी वजह से, और जो भी हम लोग बढ़ रहे हैं ये सब आपकी कृपा है, आपके विचार हम अपनी त्रुटि में लाना चाहते हैं, इतना ही मैं कहूंगा। तो जो भी आज स्नेहालय है, स्नेहालय जैसी हजारों संस्था है, वो उनके विचारों की देन है। इंट्रोडक्शन में उनके इतना कहना मेरे लिए काफी है कि फिलंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इस चीज ये जो शब्द है ये डिक्शनरी में आप मत देखिए कहीं उसका मीनिंग, आप अंकल जी की तरफ देखिए आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। फिलंथ्रोपिक ये एक्चुअली एक ग्रीक नाटककार ने लिखा हुआ एक शब्द है बहुत कई सैकड़ों साल पहले, जिसका मतलब है लव ह्यूमैनिटी। तो उसका जिता जागता जो उदाहरण है वो आपके सामने है, बहुत नम्र स्वभाव के, और कभी भी उन्होंने चाहा नहीं रहेगा कि मुझे कोई किताब मिले या मुझे नवाजा जाए। अपना काम बहुत शांति से करने वाले अंकल, न जाने उनके काम से मेरे जैसे हमारे सबके सबको कितना प्रेरित करते हैं वो कभी नहीं जानेंगे उसका क्या मूल्य है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें यहाँ सौभाग्य मिला है कि आज अंकल जी को यहाँ हम बुलाते हैं, उनके ऊपर जो भी हमें अच्छा लगता है बहुत एक इसके साथ ही मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकता लेकिन मैं अपनी सोच बदल सकता हूँ, मैं दूसरों को तो नहीं बदल सकता लेकिन मैं खुद को जरूर बदल सकता हूँ। जो आदमी सयाना होता है, समझदार होता है, वो जिंदगी के शुरुआत में इस बात को समझ लेता है और अपनी जिंदगी का रुख इस तरीके से मोड़ लेता है कि उसका जीवन सबके लिए एक आदर्श और प्रेरणा बनती है। विलीन जी ने बहुत ठीक से अंकल के बारे में हमें बताया है। अब उनकी जो मुलाकात हम लोग सुनने वाले हैं
उनका इंटरव्यू जब आप सुनेंगे तब उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन मूल्यों के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में, उनके सामाजिक संस्थाओं के कार्य के अनुभवों के बारे में हम बहुत कुछ सुनने समझने जा रहे हैं, और ये बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव आप सबके लिए रहने वाला है। लेकिन उसके पहले हमारी छात्रा साक्षी कुछ गा रही है हम सबके लिए। अंकल के वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है और धार्मिक भी है, और जब कभी वो कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो वो कहते हैं ये कृष्णार्पण है, ये श्री राम के चरणों में लीन है। तो यही होता है आध्यात्मिक व्यक्ति का अनुभव अनुभूति, जो भी करता है वो कहता है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारी छात्रा साक्षी कुछ अर्ज भगवान के लिए और हम सबके लिए करने जा रहे हैं। साक्षी, साक्षी नरोड़े बहुत अच्छी गायिका है और स्नेहालय का अभिमान है। रघुपति राघव राजा राम।
बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा और आज सुबह मैं फिर आया पुणे से। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कि ये मौका मुझे दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि सही में आप सबके लिए ये बहुत ही यादगार संध्या रहने वाली है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो लोग विश्व भर में इंटरनेट से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए, बहुत लोगों के लिए ये एक जिंदगी को मोड़ देने वाली संध्या होने वाली है। तो आप लोग जिगर थाम के बैठिए और कहानी सुनिए रमेश शंकर की, रमेश शंकर के मुंह से। अभी तक आपने गिरीश से सुना, मिलिंद जी से सुना, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग रमेश शंकर से रमेश शंकर की कहानी सुने। तो मैंने इस चर्चा को तीन भाग में रखा है। अभी तक पहला भाग है हम लोग जानना चाहते हैं आपके बचपन के दिन, वो हमारे जैसे थे या आपकी कुछ ऐसी सोच थी जो कि आपको हमेशा एक दिशा की तरफ लेके जा रही थी, तो वो हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के लिए। दूसरा हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने एक बहुत ही सफल प्रोफेशनल जिंदगी किया है, प्रोफेशनल करियर रहा है आपका, विदेश में आप रहे, वो दिन आपके कैसे थे। और कई बार कई मरतबा ऐसा भी हुआ होगा कि बिजनेस में कई बार ऐसे चौराहे आते हैं जहाँ पे हम चार रास्तों में जा सकते हैं, कई रास्तों में मुनाफा ज़्यादा रहता है लेकिन शायद आदर्शों का उल्लंघन होता है, कई रास्तों में मुनाफा कम रहता है लेकिन आदर्शों का सम्मान रहता है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस आप बताइए हमें। और तीसरा जो टप्पा है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि आपने ये जो एक परिवार बनाया है, स्नेहालय के बारे में जब लोग सुनते हैं और समझते हैं कि अच्छा 23 प्रोजेक्ट कर रही है स्नेहालय, स्नेहालय के फाउंडर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन जब हम उससे ऊपर उठ के देखते हैं कि स्नेहालय जैसी कई संस्थाएं हैं जिसको आप बहुत तरह से चला रहे हैं, बहुत तरह से मदद कर रहे हैं और आपका जो इम्पैक्ट है वो कई गुना ज्यादा है जो हम कर रहे हैं। तो हम उस तीसरे टप्पे में ये पूरा जानना चाहेंगे। तो आप सबके लिए ये एक जर्नी रहने वाला है और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी कहानियों में छिपी रहती हैं, उन्हें जरूर गांठ बांध के रखें। ये बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समय। तो अंकल हम लोग शुरू करते हैं आपके बचपन की जिंदगी जो कि अकोले में गुजरी की, और थोड़ा सा हमें बताइए अपने परिवार के बारे में और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। धन्यवाद राजीव। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा ये पहली बार इस तरह का कोई मुझे इंटरव्यू कर रहा है इसलिए मैं थोड़ा गर्वर भी हूँ। तो यदि मेरे से कोई गलती हो या कुछ हो जाए तो आप लोग उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि वाकई में आज तक न तो मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया न किसी ने मुझको इतना बड़प्पन दिया जितना आप दे रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। मैं बहुत ही अब मैं शुरू करता हूँ मेरी कहानी। मेरा जन्म अकोले में हुआ है, एक बहुत ही निम्न मध्यम परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी वहाँ एक ऑर्डिनरी मिल में क्लर्क का काम करते थे। हम लोग चार भाई और तीन बहनें थे, तो मतलब चार भाई तीन बहनें, माँ, पिताजी और मेरी दादी थी, सब मिलाकर के 10 लोगों का परिवार था। और पिताजी बहुत ऑर्डिनरी सर्विस पर थे, तो उसमें मतलब बचपन में मेरे खीसे में एक रुपया भी नहीं रहता था, इस तरह की हालत में से गुजरे हुए हैं। और पर हमेशा
पिताजी के संस्कारों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा, क्योंकि यदि भी हमारी फिनेंशियल परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पर यदि कोई भी साधु संत उस समय का थोड़ा सा सोशल काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता था, तो यदि कोई साधु संत प्रकोला में आता और उसके बाद कोई रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती थी, तो पिताजी उसको घर पर ले आते थे भोजन करने के लिए। कई बार मेरी माँ नाराज भी होती थी कि पहले तो घर में इतने लोग हैं और ये किसी को भी जो भी मिल जाता है उसको ले आते हैं, पर पिताजी का स्वभाव हमेशा वैसे ही रहा और वो जिंदगी भर आखिर तक बदला भी नहीं। कोई भी मिल जाता साधु संत उससे पूछते तो कहते कि भाई नहीं, मेरा कहीं कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है या कोई नहीं है, तो पिताजी उसको घर ले आते। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा संस्कार मेरे हृदय पर रहा कि ये बहुत आदमी को यदि कुछ करना हो तो उसके लिए उसके पास बहुत पैसा हो या वो हो ये जरूरी नहीं है, यदि उसके मन में करने की इच्छा है तो वो कर ही सकता है। तो वहाँ से मेरा वो शुरू हुआ। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई तो प्राइमरी एजुकेशन हिंदी म्यूनिसिपल स्कूल चलाती थी म्यूनिसपैलिटी, जहाँ फीस नहीं लगती थी। वो चौथी तक की स्कूलिंग मैंने वहाँ की हिंदी स्कूल में की और बिना किसी फीस के दिए। उसके बाद में मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल मतलब पाँचवीं से आठवीं और नौवीं से ग्यारहवीं तक की एजुकेशन मैंने वहाँ एक गवर्नमेंट सपोर्टेड हिंदी गुजराती हाई स्कूल थी उसमें मैंने की। उसके बाद में यद्यपि मैं साइंस और मैथ्स का स्टूडेंट था किंतु बाहर जाना संभव नहीं था, इसके लिए मैंने वहाँ जो एक आर्ट्स कॉलेज थी वो ज्वाइन कर ली। तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन बीए वहाँ से किया और वहाँ पर भी फीस बहुत रीजनेबल नॉमिनल फीस थी, 16 रुपये महीने या ऐसा कुछ फीस थी। तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मेरा एजुकेशन हुआ बीए तक का। उसके बाद में फिर जो मेरे बड़े भाई थे उन्होंने एमए इंग्लिश किया था, वो नागपुर आ गए थे इंग्लिश में लेक्चरर बन के, तो मैं वहाँ कॉमर्स कॉलेज में वो इंग्लिश में लेक्चरर थे, मैं वहाँ मेरा एमए और लॉ करने के लिए नागपुर चला गया। तो 2 साल में मैंने मेरा एमए कंप्लीट किया वहाँ। थ्रू ये सब बीए में भी मैं मेरिट में था, एमए में भी मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड था। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेहनत करने का भी शौक था, तो वहाँ से मैंने मेरा एमए किया। एमए के बाद में फिर बहुत ज़रूरी हो गया था जॉब करना, क्योंकि मेरे पिताजी की मिल बंद हो गई थी और वो उनकी सर्विस ऑलमोस्ट ख़त्म की जैसी हो गई थी। तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया, सिंस एमए इकोनॉमिक्स में किया था मैंने और उसमें मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड था, तो मुझे यूको बैंक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर का जॉब मिल गया और वहाँ पर मैं यूको बैंक में 1960 के उसमें एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आई स्टार्टेड माय करियर विद यूको बैंक। तो वहाँ से पर मैंने सर्विस ज्वाइन करने के पहले उनसे ये एग्रीमेंट कर लिया था यूको बैंक से कि कम से कम 1 साल वो मुझे वापस नागपुर में कोर्स करेंगे, क्योंकि मुझे मेरा लॉ करना था, मैंने लॉ का पहला साल कंप्लीट कर लिया था और सेकंड ईयर करना बाकी था। तो दे एग्री कि कम से कम 1 साल के लिए आपको वापस नागपुर भेज देंगे। तो मेरी 2 महीने की कल्पना में ट्रेनिंग के बाद में एज पर दैट प्रॉमिस दे ट्रांसफर मी टू नागपुर। तो मैंने 1 साल नागपुर में लेकर के बैंक में काम भी करता था और लॉ फाइनल की पढ़ाई भी करता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है हमेशा, यदि भी मैं जानता था कि मैं कभी भी प्रैक्टिस नहीं करूँगा, पर मैं लॉ की पढ़ाई में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और मैंने एलएलबी फाइनल 61 में किया
एंड आई वाज आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। उसके बाद में बैंक ने मुझे ट्रांसफर कर दिया मुंबई एक्सपर्ट के बाद में। एंड फिर यहाँ जब मैं आया तो मुंबई आया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि रहने की कोई जगह नहीं थी। तो मेरा एक मित्र था वो वहाँ एम ए सोशियोलॉजी कर रहा था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। तो उसने कहा रमेश तू तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है एल एल एम में, तू ऐसा करके तू ये यूनिवर्सिटी हॉस्टल में अप्लाई कर दे और एल एल एम का फॉर्म भर दे। तो मैंने फॉर्म वगैरह तो भर दिया पर देखा मैंने फॉर्म में था कि भाई ये हॉस्टल में सिर्फ जो लोग फुल टाइम स्टूडेंट हैं वो ही हॉस्टल में रह सकते हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो फिर आपके लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उससे कहा मैंने कहा यार फॉर्म में तो ही लिखा है, बोला देख फॉर्म वगैरह तो सब ऐसे ही रहते हैं और लिखा रहता है जो लिखा रहता है, पर यहाँ बोले मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ दो साल से, मेरे को मालूम है कि 90% यहाँ जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं दे आर ऑल डूइंग सम जॉब और दी अदर, तो तू भी राजा हरिश्चंद्र मत बन और फॉर्म भर दे और यहाँ आराम से रह दो साल, कम से कम तेरे को कोई चिंता नहीं रहेगी और तू एकदम मेरा ऑफिस भी वहाँ चर्चगेट पे था और यूनिवर्सिटी हॉस्टल भी चर्चगेट पे था। तो वहाँ मैंने फॉर्म झूठा भरा, मैंने ये लिखते कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ और वो करके फिर 61 से 63 तक मैंने दो साल में वहाँ हॉस्टल में रहा और वो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी सुविधा हो गई थी क्योंकि मेरे को बैंक जाना पड़ता था 10:15 का बैंक था, 10 मिनट ग्रेस के मिलते थे तो 10:25 पे बैंक पहुँचना पड़ता था। तो मैं सबसे पहले वहाँ पर हॉस्टल का जो लंच होता था तो सबसे पहले 10:15 आई यूज टू बी द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑन द टेबल, अपना जल्दी से कुछ खाया नहीं खाया और भाग करके और बैंक जाता था। तो 10:25 पे बैंक पहुँच करके और फिर दिन भर बैंक में काम करता था। शाम को बैंक से यूनिवर्सिटी भी पास ही थी तो मैंने एल एल एम ज्वाइन कर रखी थी तो एल एल एम के लिए शाम को क्लासेस होती थी तो मैं वहाँ से फिर मेरी बैंक से निकल करके और वहाँ चला जाता था। एल एल एम में पहले साल तो मेरा विचार था ही नहीं एल एल एम करने का, इसलिए मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की एंड मतलब ऐसे ही चलता था भाई ठीक है एक साल तो निकल गया एक साल और निकल जाएगा। पर एल एल एम के पहले साल के एंड में मेरे मन में ये आया कि यार अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे पढ़ने का शौक भी है तो व्हाई नॉट डू एल एल एम, तो कर चलो। तो मैंने गर्मी की छुट्टियों में से एल एल एम की पढ़ाई शुरू की एंड फिर 12-14 महीने मैंने खूब पढ़ाई की एल एल एम की एंड सेकेंड ईयर एल एल एम में मतलब यूनिवर्सिटी पास होने से फैसिलिटी थी और ऑफिस हॉस्टल यूनिवर्सिटी तीनों के पास पास थे तो मैं मर्केंटाइल लॉ में मैंने एल एल एम किया एंड एल एल एम में मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मुझे सेकंड रैंक मिला। तो उसके बाद में 63 में मेरी मैरिज हो गई, मेरी पत्नी का नाम लता है एंड शी हैज बीन अ वंडरफुल वाइफ एंड हैज सपोर्टेड मी ऑल अलोंग इन माय वेरियस ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज एंड जनरल सोशल एक्टिविटीज। तो 63 के बाद फिर मैं बैंक में काम करता था, 60 से 64 तक मैंने बैंक में काम किया और 64 में मैंने बैंक से रिजाइन करके बिरला कंपनी थी जेनी स्टील पाई उसमें आई ज्वाइंट एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू बी मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर मैंने 64 से लेके 92 एंड तक उसी कंपनी में काम किया, एक ही कंपनी में काम किया। उस कंपनी में मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली, कंपनी ने मुझे 2 साल के लिए और कोएड भी पोस्ट कर दिया था सो दैट वी कुड एक्सपोर्ट अवर वी कुड प्रमोट अवर एक्सपोर्ट इन द मिडिल ईस्ट एंड ऑल दैट। वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल पीरियड रहा, उस पीरियड में आई सेव आई कुड सेव लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दैट ऑल्सो क्योंकि
कंपनी मेरी सैलरी भी यहाँ देती थी, वहाँ कुवैत में भी एक अच्छा जनरल सलाउन मिलता था इन ऑर्डर, तो वहाँ पर मैं रहा करीब 2 साल में कुवैत में रहा। एंड पहले साल तो मुझे अकेला ही रहना पड़ा, सेकंड ईयर में फिर कंपनी ने मेरी वाइफ को भी अलाउ कर दिया, एंड इन द मीन टाइम आई हैव अ स्मॉल सन ऑल्सो, तो मेरी वाइफ मुझे ज्वाइन किया वहाँ पर कुवैत में, और 14 महीने हम लोग कुवैत में रहे। कुवैत में रह करके मैं सब जगह पूरे मिडिल ईस्ट में घूमते रहता था, एंड 2 साल में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट वगैरह सब हमारा मिल गया वहाँ मिडिल ईस्ट में, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा मिडिल ईस्ट में ही होता था। उसके बाद में 72 में हमारी कंपनी का विचार हुआ कि इंडोनेशिया बहुत बड़ा मार्केट खुल रहा है, वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत है, एंड इसलिए हमको वहाँ पर एक कंपनी खोलनी है। तो कंपनी ने मुझसे कहा कि अब कुवैत में तो सब काम जम गया है, अब तुम कुवैत बाइंड अप करके एंड यू कम टू बॉम्बे एंड देन यू प्रोसीड टू इंडोनेशिया। तो नेक्स्ट 3 साल मेरे बॉम्बे इंडोनेशिया के बीच में आना जाना चलता रहा, एंड काफ़ी मतलब वो हमारी अच्छी वहाँ पर इंडोनेशिया में कंपनी खोलने के लिए, कंपनी बढ़ाने के लिए, यहाँ तक हो गया था कि हमने जमीन भी खरीदनी थी, एंड आई वाज सपोज टू लिव फॉर इंडोनेशिया विद इन अ मंथ और सो। पर उस समय जो हमारा पार्टनर था वहाँ इंडोनेशिया में, वो एक इंडियन था एंड मतलब सिंधी आदमी था, पर उससे और हमारे मैनेजमेंट के बीच में कुछ अनबन हो गई। वो अपने हिसाब से चलाना चाहता था, एंड बिरला ने कहा हम तो बिरला हैं, काम होगा तो हमारे तरीके से होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो वो लास्ट मिनट पे जब मुझे कंपनी ने बोल दिया था कि तुमको 15 दिन में इंडोनेशिया जाना है, उस समय भी ये डिसीजन हुआ कि सिंस दिस मैन इज नॉट बिहेविंग वेल, वी वुड रादर ड्रॉप दिस प्रोजेक्ट एंड टू बॉम्बे साथ। तो वहाँ हमने जमीन वगैरह खरीदी रखी थी, तो जमीन वगैरह बेचने का काम करके और काफ़ी जमीन खरीदे 2-3 साल हो गए थे, इसलिए उस जमीन में से निकल करके जब हमने बेची तो हमको काफ़ी मतलब जो भी हमारे खर्चे वर्चे थे सब निकल करके उसमें से निकल गए, एंड आई कुड कम बैक टू इंडिया। तो 73 में फिर मैं वापस इंडिया आ गया, तो फिर इंडिया में आने के बाद में मैं डिफरेंट पोजिशन में रहते हुए 20 साल रहते हैं। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन लगन, प्रतिभा और धैर्य आपका टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि इनको लॉ करना था, तो उन्होंने कंपनी से करार किया कि भाई मैं जो है सो लॉ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे लॉ करने के लिए इजाज़त देंगे और मैं वापस आऊँगा। कभी कभार हम लोग अपने धैर्य से इधर उधर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हर बार इन्होंने यूनिवर्सिटी रैंक होल्ड किया, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड पोजिशन लाना बहुत ही कठिन रहता है। और तीसरी चीज़ जो इस टप्पे से मैं आप सबको ध्यान आपका लेना इंटरप्ट करूँगा, 64 से 66 तक मैंने जब ये बिरला कंपनी ज्वाइन की थी तब उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के लिए वो स्पॉन्सर करेंगे। तो 3 साल में मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी कर लिया था, एंड आई टू फर्स्ट इन दैट बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स। तो मैसेज ये है कि यू हैव टू कीप लर्निंग। करीब 3 बार इन्होंने कहा कि मैं पुस्तक बहुत पढ़ता हूँ, और काम मिलने के बाद भी इन्होंने सोचा कि मैं लॉ करूँ जब बैंक में थे, जब बिरलास के साथ थे तो इन्होंने सोचा मैं MBA करूँ। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमेशा जारी रहनी चाहिए, और वो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल दोनों होता है। तो अंकल हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके इस सफर के बारे में जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपने बहुत वक्त गुजारा बाबा आमटे के साथ, ऐसा कहा मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि बाबा आमटे आपको अपने गॉड चाइल्ड की तरह मानते थे, और
हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपके दिमाग में, आपके जहन में कैसे आया कि मैं एक संस्था नहीं खड़ा करूंगा, मैं जो संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, जो लड़खड़ा रही है, जो अपने पांव पे खड़े होने का प्रयास कर रही हैं, उन सब को मदद करूंगा। और बिजनेस में कहते हैं जैसे डिमांड और सप्लाई, वैसे ही इस इकोसिस्टम में संस्थाएं हैं और डोनर्स हैं। तो संस्थाएं जो है वो डिमांड है, डोनर्स जो है वो सप्लाई है। तो आपके जहन में ये आया कि मैं इनको एक साथ जोड़ूं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? और हम कुछ ऐसी स्टोरीज जानना चाहते हैं जहाँ पे आपको लगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत असंभव है जो आप कर रहे हैं, और उसको आपने कैसे ओवर कर लिया। ये दो छोटा सवाल है। जी, मैंने बाबा आमदे के पास में गया था 81 में, 81 में मैं बाबा से मिलने गया था। और उससे पहले जब से मेरी सर्जरी शुरू हो गई थी तब से मैंने कुछ ना कुछ डोनेशन देना शुरू कर दिया था। यदि भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था उस समय, बैंक की सर्विस और उसके बाद में जो ह्यूमन रिसोर्स की जो सर्विस थी, परंतु उस समय रुपए की वैल्यू थी। तो मैं जो भी मेरे से हो सकता था, मेरा खुद का खर्चा चलाने के बाद में, मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के बाद में, उसके बाद में कुछ ना कुछ चैरिटी हमेशा करते रहा, क्योंकि मेरा ये विश्वास था कि देने से कभी आपका कम नहीं होगा। और यही विश्वास मैंने आई ट्राई टू पास इट ऑन, मेरे बच्चों में भी मैंने यही विश्वास पास ऑन करने की कोशिश की। और कम से कम मेरा बड़ा बेटा आशीष इस बात को पूरी तरह उसने आत्मसात कर लिया कि भाई देने से कभी कम नहीं होगा। आई एम हैप्पी टू टेल यू कि आज मेरा जो बड़ा बेटा आशीष है वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है, वो मेरा सबसे बड़ा डोनर है। और मतलब इतना कंपैशनेट और इतना जनरस बेटा मिलना भगवान की मेहरबानी के सिवा हो नहीं सकता। आज मैं जो कुछ भी काम कर सक रहा हूँ, नियरली 100 इंस्टीट्यूशन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन को, देट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई सन। वो इतना कंपैशनेट और जनरस है कि जहाँ भी मैं उसको बताता हूँ कि बेटे ये इतना अच्छा काम हो रहा है और इनको फंड्स की बहुत ज़रूरत है, तो ही नेवर होल्ड्स बैक, ही विल ऑलवेज सपोर्ट एंड वो मतलब इस तरह से वो रहा है। तो ये भगवान की बहुत मेहरबानी है। और मैं यही समझता हूँ कि सच्ची बात यही है वास्तव में कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। क्या था कौन रमेश कठेरिया को ना कोई जानता था, ना कोई रमेश कठेरिया के पास पैसा था, कुछ भी नहीं था, पर भगवान की कृपा हुई और भगवान ने ऐसी व्यक्ति दी। और इनिशियली जब मैं यंग था तो कोई भी संस्था को पैसा देने के पहले मैं खुद जाकर के देखता था, उसका काम देखता था, वहाँ एक दिन दो दिन जाकर के रहता था, उनके जो मैनेजमेंट थे उनसे डिस्कशन करता था, जो भी सब पूछता था कि भाई किस तरह से संस्था चल रही है, जो संस्था के फाउंडर्स है वो उसमें से कितनी सैलरी या कितना पैसा लेते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब देखने के बाद जब मैं फुल्ली कन्विंस हो जाता था कि वास्तव में संस्था अच्छा काम कर रही है, तभी मैं उसको खुद डोनेशन देना शुरू करता था। और जब मैं खुद डोनेशन देता था उसके बाद ही ये प्रिंसिपल जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, जो ये है कि पहले यदि मैं किसी संस्था को दूसरे को रिकमेंड करूँ तो उसके पहले मुझे खुद उस संस्था को डोनेशन देना चाहिए। मैं उसको डोनेशन दूंगा तभी मैं मेरे किसी मित्र को या परिवार के दूसरे मेंबर को रिकमेंड करूंगा, नहीं तो यदि मैं खुद डोनेशन दे देता हूँ तो मैं किसी दूसरे आदमी को उस संस्था को डोनेशन देने के लिए कभी नहीं होगा। ये प्रिंसिपल मैंने तब भी फॉलो किया था, आज भी फॉलो कर रहा हूँ, और इसका रिजल्ट भी बहुत हैप्पी रहा। धीरे धीरे जितने मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, डोनर्स थे, उनके समझ में आ गया कि यदि रमेश शंकर किसी संस्था को रिकमेंड कर रहे हैं
तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने खुद ने अपनी परिवार से इसको विभिन्न किया। तो धीरे धीरे ये सब बात जब लोगों को बहुत सारे लोगों को मालूम हो गए तो लोगों ने मेरे से ये पूछना ही बंद कर दिया कि भाई ये संस्था अच्छी है या नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी फैक्ट कि मैं उस संस्था को रिकमेंड कर रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि पहले मैंने उस संस्था को विजिट किया है, दूसरा ये है कि मैंने उस संस्था को पर्सनल डोनेशन दिया है और उसके बाद ही मुझे काम अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आगे और सपोर्ट के लिए दूसरे लोगों के पास जा रहा हूँ। तो ये जो एक क्रेडिबिलिटी बढ़ी इसका बहुत ही मतलब असर आया, और आज तक मेरे जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, इवन बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी ये जानती हैं कि जैसे HDFC हमारी जो एक बहुत बड़ी संस्था है परिवार, उसको हर साल 4 करोड़ रुपया दे रही है। कोटक महिंद्रा बैंक है जो 7 करोड़ रुपया दे रही है, हर साल बढ़ाते रही है, वो 4 देती थी 5 देती थी 7 देने लगी, इस साल 7 करोड़ दे रही है। प्रकाश आपके उसके चेयरमैन थे, तो उन सबको मालूम है कि रमेश अंकल खुद का डोनेशन पहले दे रहे हैं, उसके बाद में हमारे को अप्रोच हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक थोड़ा सा सच्चाई में चलने का जो हुआ उसका बहुत बेनिफिट मुझे मिला, और बहुत अच्छे काफ़ी लोगों से डिफरेंट संस्थाओं के लिए मैं जोड़ सका, और बहुत सारी संस्थाओं का हमारी एक संस्था या एक तो सिर्फ 2 संस्थाओं के बारे में एकदम ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा। एक संस्था का नाम है परिवार एजुकेशन सोसाइटी। परिवार का जो फाउंडर है उसका नाम है विनायक लोहानी, ही इज BTech फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड MBA फ्रॉम IIM कैलकटा। नॉट ओनली ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम बोथ दिस इंस्टीट्यूशन BTech एंड MBA, बट ही हैज बीन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड एलुमना फ्रॉम बोथ दिस इंस्टीट्यूशन। डिस्टिंग्विश्ड एलुमना का मतलब ये, यदि 10,000 स्टूडेंट वहाँ से पास होकर के निकले होंगे तो मुश्किल है 8-10 स्टूडेंट्स को वो ये ऑनर देते हैं डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस का। वो इसलिए कि या तो आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री या बिजनेस खड़ा करके हजारों लोगों को आपने जॉब दे दिया है, जैसे जो मिस्टर सुंदर पिचाई है जो गूगल के चीफ हैं, वर्ल्ड चीफ ऑफ गूगल, उनको ये IIT खड़गपुर ने उनको डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस का वो दिया है। तो सेम IIT खड़गपुर ने विनायक लोहानी को भी उनके सोशल काम के लिए ऑनर करके उनको भी डिस्ट्रीब्यूट एलिमिनेशन का वो दिया, तो वो ये बहुत बड़ी बात है। और विनायक लोहानी जो है उसके पिताजी बहुत सीनियर IAS ऑफिसर थे एंड ऑल दैट, बट विनायक ने अपने पिताजी से वेरी पोलाइटली वेरी हम्बली उनके पैरों में अपना सिर रख करके कह दिया कि पिताजी आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट मेरा न IAS करने का मन है न मैं तो स्वामी विवेकानंद के चरण चिन्हों में चलना चाहता हूँ। ही टोटली इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। तो वहाँ से विनायक ने काम शुरू करके 3 बच्चों से काम शुरू किया था इन 2004, और उसके बारे में एक मैगजीन आउटलुक में पढ़ करके, मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग विच यू मे लाइक टू नो अबाउट मी, कि मैं 7-8 अखबार मंगाता था पहले भी, आज भी मंगाता हूँ, बहुत सारी मैगजीन वगैरह भी देखते रहता हूँ, बट आई अखबार में 7-8 अखबार मंगाता हूँ, किंतु मैं ये पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह में ज़्यादा देखता नहीं, उसकी हेडलाइन जरूर देखता हूँ पॉलिटिक्स की और स्पोर्ट्स की, बट मेनली आई टर्न द पेजेस टू सी कि किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल्स हैं क्या कि जो बहुत अच्छा ह्यूमैनिटेरियन काम कर रही हो। और इस तरह से देख के मुझे जो इंस्टीट्यूशन ऐसी मिल जाती है तो फिर मैं उसके साथ में जुड़ जाता हूँ। तो परिवार ने 3 बच्चों से शुरू करके 2300 बच्चे तक, इट वॉज द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द होल ऑफ वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा जब ये 2-3 साल का जो कोविड का पीरियड आया उसमें बच्चों का नंबर घट करके 1200 हो गया था, पर अभी फिर से परिवार ने रिक्रूट करके 1600 बच्चों में ले गए हैं, एंड इट इज स्टिल द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द होल ऑफ वेस्ट बंगाल। उनको 2011 में
प्रेसिडेंट का अवार्ड मिल चुका है और द बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन इन द वर्ल्ड है। और अभी परिवार केंद्र ने बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। वहाँ पे करीब डे स्कूल हम लोगों ने करीब 673 डे स्कूल खोली हैं, जिसमें हम करीब 60,000 बच्चों को दो टाइम का न्यूट्रिशस मील देते हैं एंड क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं 4 घंटे। एंड इस सब पूरी प्रोसेस में मजे की बात यह है कि वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इवन 1 रुपी इन क्रिएटिंग ए न्यू स्ट्रक्चर और एनीथिंग। ये गांव वालों में जो गांव ग्राम सभा है या पंचायत है उनको ये हमको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि दे विल प्रोवाइड द फ्री प्ले फॉर प्रोवाइडिंग मील्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। तो ये एक परिवार की एक कहानी है। दूसरी स्टोरी मैं बोलना चाहूँगा वो है वहाँ की कैलकटा की मामू नक्सर की। वो इसलिए कि दोनों स्टोरीज में आपको कॉन्ट्रास्ट मालूम पड़ेगा। एक तरफ विनायक लोहानी है बीटेक एमबीए डिस्ट्रिक्ट रविंद्र का बोर्ड इंस्टीट्यूशन, दूसरी तरफ है मामू अख्तर। मामू अख्तर आठवीं तक तो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से पढ़ा क्योंकि उसके बाद स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसा नहीं था, पर आठवीं के बाद ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द फीस तो हिज नेम वॉज स्टक अप फ्रॉम द स्कूल। तो मामू ने 9वीं से 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई वो ओपन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से करके 12वीं 11वीं पढ़ ही नहीं सका, पर वो आज मामू अख्तर ने एक बच्चे को फ्री ट्यूशन देने से शुरू किया था। एक बच्चा उसके पास आया बोला सर मैं पढ़ना चाहता हूँ आप मेरे को फ्री में पढ़ाएंगे क्या, मेरे पास आपको ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं फीस नहीं दे सकते हो तो तुम आ जाओ कल से मैं उनको पढ़ाना शुरू करूँगा। तो एक बच्चा आया उसके बाद में 5-7 दिन के अंदर अपने दो दोस्तों को लेकर के और आ गया बोला सर ये भी पढ़ना चाहते हैं आप इनको भी फ्री में पढ़ाएंगे क्या मेरे साथ। तो मामू ने कहा इनको भी पढ़ा दूंगा। तो ऐसे 3 बच्चे हो गए, ऐसे करते 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 15 बच्चे हो गए मामू के पास। मामू खुद भी उसी स्लम में रहता था, टिकिया वाला स्लम का नाम है हावड़ा में है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इन द होल ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसे अपने यहाँ धारवी है उस तरह से टिकिया वाला वहाँ था। तो वहाँ से शुरू करके अभी I came to read the story of Mamun in 2003। एक एशियन एज नाम का न्यूज़पेपर आता था जिसमें उसकी स्टोरी पब्लिश हुई थी। तो मैंने एशियन एज को उस वक्त का नंबर वगैरह कुछ नहीं था, उसमें लिखा था कि ये मामू अख्तर ऐसा ऐसा काम कर रहा है। उस समय मामू अख्तर का बजट था सिर्फ 38,000 रुपये साल का, पर वो 38,000 रुपये साल का निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उसमें से 10,000 रुपये तो वो लोग खुद ही अपने उनके जो मामू अख्तर थे उसके फ्रेंड से वो कंट्रीब्यूट करते थे। तो पब्लिक से सिर्फ 28,000 रुपये साल का जमा करना था, वो भी नहीं हो रहा था उन लोगों से। तो वहाँ से मेरा एसोसिएशन शुरू हुआ मामू अख्तर से। और आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि आज सवाइड एंड हेल्थ मिशन इज द लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द होल ऑफ हावड़ा। वहाँ पर 2 तो हमारी बड़ी बड़ी स्कूल्स बन चुकी है, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर की, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर की, तो जहाँ 6,500 बच्चे आज एक्चुअली पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। एंड तीसरी हमारी स्कूल बन के खड़ी हो गई है, वो टिकिया वाला नींद खोल कर हमने वहाँ से 1.5 किलोमीटर पर बकरा नाम की टिकिया वाला से ज़्यादा गरीब बस्ती है, वहाँ पर भी मोर देन 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ पर हम लोगों ने वो ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो अभी अभी उनको पिछले कुछ दिन पहले जो पुरस्कार मिला या, तो वहाँ पर एक ममता बनर्जी ने उनके बारे में कहा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है और वो न्यूज का कैप्शन है हावड़ा स्कूल चेंजेस लाइव्स विंस इंटरनेशनल एक्लेम। और बंगाल के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पे ट्वीट किया
happy to know and share that Samaritan Mission School of Howrah is amongst the top 10 inspirational schools all over the world. Kudos and best wishes to you, sir. Namaskar. 93 countries का इंडिपेंडेंट सर्वे किया था, एक स्कूल्स का कितनी इंस्पिरेशनल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल उसमें इंक्लूड की थी, बिकॉज इट वॉज अ ब्रिटिश एजेंसी हु कैरीड आउट द इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर ओन। पहले 93 कंट्रीज में से 100 इंस्टीट्यूशन को उसने चुना, उसमें समार्टन हेल्थ मिशन वॉज वन ऑफ देम। उसके बाद में उन्होंने कहा 100 में से 10 बेस्ट उनको चुनना है, उसमें फिर से 10 बेस्ट में भी समार्टन मिशन स्कूल का नाम आया। तो तब फिर ये चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया है सेंड करने से। अभी मामून अख्तर जो है वो इतना अच्छा काम कर रहा है, आज 6,500 बच्चे तो हैं और मार्च तक हमारी ये स्कूल कंप्लीट हो गई है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह करना है, थोड़े से बेंचेस वो भाई बच्चों के बैठने का इंतजाम करना है, वो करने के बाद बिफोर मार्च 10,000 चिल्ड्रन जिसमें से 80% मुस्लिम्स है वो बच्चे एजुकेशन मिलेंगे उनको। और मतलब वहाँ पर हम ये भी बच्चों को समझाना चाहते थे, बच्चों के पेरेंट्स को भी समझाना चाहते थे कि नथिंग कम्स फ्री। तो पहले हमने 5 रुपये से फीस शुरू की वहाँ पर, जबकि दूसरी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी वो 200 रुपये चार्ज करती थी। 5 से शुरू करके हमने धीरे धीरे उसको 25 किया, 50 किया, 100 किया, क्योंकि अब जो दूसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है दे आर चार्जिंग एटलीस्ट 500 रुपीज पर स्टूडेंट, वहाँ हम 100 रुपये में मच बेटर क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और आज वहाँ पर 6,500 बच्चे तो ऑलरेडी हैं, बाई मार्च के पहले पहले 10,000 बच्चे हो जाएंगे। तो दिस इज़ ए यूनिक एग्जाम्पल जहाँ एक बच्चे से शुरू करके हम लोग 10,000 बच्चों तक उसको ले गए। और इसमें थ्रू आउट मतलब दूसरी इंस्टीट्यूशन को जब फंड वगैरह चाहिए तो मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कि तुम दूसरे सोर्सेज से क्या करोगे क्या नहीं करोगे। मामून से मेरे को पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि ये आदमी इतना डेडिकेटेड है, इतना कमिटेड है कि मुझे मालूम है कि ये एक पैसा भी उसमें से वेस्ट कर ही नहीं सकता। इसको मैं इसका लार्जेस्ट डोनर हूँ इस इंस्टीट्यूशन का, कि मैंने कितनी बार उसको समझाया कि भाई तेरे फैमिली के मेंटेनेंस के लिए तेरे को जो चाहिए कितना चाहिए, तेरे को 50,000 60,000 रुपये वो मैं सेंक्शन करवा देता हूँ एंड यू टेक इट फ्रॉम दी इंस्टीट्यूशन। और बोलता है अंकल नहीं ये आप सेंक्शन करवा देंगे तो ठीक है, बट मेरा मन नहीं होता है कि जो पैसा मैं लोगों से डोनेशन में मांग मांग के लाता हूँ उसमें से मैं मेरे परिवार के लिए ले लूँ। तो वो कितने सालों तक तो वो इतना काम करता था समाजिक मिशन का, वो भी कर रहा था और साथ में सर्विस करता था एज ए लाइब्रेरियन इन द स्कूल, और उस समय वेस्टर्न था तो चला देता था अपना किसी तरह से। जब उसकी मैरिज हुई तो मैंने कहा मामू अब तो तुम्हारा काम चलना मुश्किल है, 3,500 रुपये में कैसे काम दे रहे हो। बोला हाँ अंकल 1,000 रुपये का करीब करीब शॉर्ट फॉल आएगा हर महीने, उसका कुछ इंतजाम हो जाए तो अच्छा है। तो वहाँ से फिर मैंने मेरा जो एक पर्सनल मैंने फाउंडेशन बना रखा है मेरे माँ पिताजी के नाम से, नारायणी गुलाब फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन का मतलब एक मेन मकसद ये है कि जो मामू के जैसे जो सोशल वर्कर्स है उनकी मैं मदद कर सकूँ। तो वहाँ से मैंने मामू को 5,000 रुपये महीने की मदद करनी शुरू की धीरे 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 धीरे। आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ, धीरे धीरे फिर मामून को मामून का काम जैसे जैसे बढ़ता गया मैंने उसको परसीड किया भाई तू अब ये काम जो लाइब्रेरी का तू काम करता है वो छोड़ दे, क्योंकि तू रात को 12-12 बजे तक तो तू समाज एजुकेशन का काम करता है नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से काम मैंने छोड़वाया, 5,000 का जो मैंने देता था वो डोनेशन उसका बढ़ाकर के मैंने 10,000 किया, 10,000 से 15,000 किया। दिन ब दिन मामू के काम बढ़ते ही जाते हैं मतलब एजुकेशन के अलावा। आप कभी कलकत्ता में से आप में से कोई भी जाए तो मैं आप सबको ओपन इन्विटेशन देता हूँ कि आप जा कर के
और मामून का काम देखें कि किस तरह का मतलब एजुकेशन के अलावा उसने हेल्थ का इतना बड़ा काम वहाँ पर कर दिया है, वोकेशनल ट्रेनिंग का काम इतना बड़ा शुरू कर दिया है वहाँ पे, उसने वीमेन को और कई फैक्ट्रीज से गारमेंट फैक्ट्रीज से वो करके वीमेन को एम्पावर कर दिया है कि वीमेन अपने घर में बैठ करके काम करके और 3,000-4,000-5,000 रुपया घर में बैठ कर कमा सकती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई हैरेसमेंट नहीं है। मतलब सच अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ दिस पर्सन। आप कभी भी कोई भी जाए, आप न्यायालय में गिरी के बाद अब इंफॉर्मेशन है मालूम की वो आपको कनेक्ट कर देगा, आप जाकर के देख सकते हैं महोदय। तो इस तरह से ये बताना चाहता था मैं कि सिर्फ मतलब एक आदमी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ लड़का इतना हाईली क्वालिफाइड इतने रिच बैकग्राउंड से और उससे आता है वो भी इतना वंडरफुल काम कर रहा है, और दूसरी तरफ मामून के जैसा आदमी जिसके पास खुद के खर्चे के लिए पैसा नहीं था वो भी इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो बहुत ही अहम बात है ये कि रमेश अंकल का एक पोर्टफोलियो है, जैसे स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनका एक पोर्टफोलियो रहता है और उसमें तरह तरह के कंपनीज के स्टॉक्स रहते हैं, उसी तरह अंकल का भी एक पोर्टफोलियो है ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एनजीओस, और इन एनजीओस में इतना वैरायटी है कि जो पुस्तक का विमोचन होने वाला है उसका मैं एक पैराग्राफ आपके लिए तुरंत पढ़ना चाहता हूँ कि दीज फंड्स आर फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन फ्रॉम मेघालय टू मेलघाट, फॉर द रिफ्यूजीज फ्रॉम असम वेयर द बोडोलैंड मूवमेंट हैज बीन वायलेंट, फॉर द फैमिली स्लॉटर्ड इन कोकरझार, for innovative projects of social organizations for women and children in the red light areas of Ahmednagar, Pune, Calcutta, Delhi, Mumbai, organizations working for districts, farmers in Andhra, families of suicide farmers in Vidarbha and Marathwada, for various water conservation initiatives across the country for children and women in slum, the list goes on. So these are the kind of projects दो तीन चीजें रमेश अंकल के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी सबसे पहली बार मुलाकात हुई 2007 में जब इन्होंने केयरिंग फ्रेंड्स या फ्रेंड्स को एक साथ बुलाया था बम्बई में, अमेरिका से बॉम्बे आया था, उसी दिन मुझे गिरीश ने कहा कि अंकल ने एक डिनर रखा है और उस डिनर का नाम था डिनर विद अ पर्पस, और तो वहाँ पे दोनों तरह के लोग मिले, संस्थाओं के लोग मिले और डोनर्स मिले। उसके बाद मैं 3 और एनुअल इवेंट आपका अटेंड किया हूँ। पिछले 20 साल में मैं 17 साल बाहर रहा हूँ भारत से, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 4 बार इनका एनुअल इवेंट अटेंड कर पाया हूँ। पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा होता है कि मैं भारत में रहता हूँ और उस समय ये होता है। तो एक मैंने इनका एनुअल इवेंट अटेंड किया नागपुर में, दूसरा मैंने इवेंट किया अटेंड पूना में जो कि अनुवाला ने होस्ट किया था, और तीसरा मैंने अटेंड किया मुंबई में जहाँ मुलाकात हुई मेरी मैस्टेक के सीईओ लेट श्री सुधाकर राम जी। और ये जो मीटिंग्स जो ये एनुअल मीटिंग्स होते थे उनमें अंकल का एक मकसद रहता था कि किस तरह डोनर्स को और किस तरह एनजीओस को वो एक साथ ला पाए, पहला मकसद। दूसरा मकसद होता था कि किस तरह ये एनजीओस कम समय में अपने बारे में सब कुछ बता सके। एक छोटा सा मैगजीन भी निकाला है उसमें हर एनजीओस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता था। और इन एनुअल इवेंट्स में अंकल ये भी कोशिश करते थे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कमियां हो सकती है एनजीओस में, उनका अकाउंटिंग मेथडोलॉजी, उनका मैनेजमेंट प्रोसेस, उनका डेलीगेशन प्रोसेस, उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इन सारी चीजों के ऊपर इन्होंने हमें सिखाया कि इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। इन्होंने हमें ये भी बताया कि काम जो है वो सबसे बड़ा चीज है, और जैसा अभी इन्होंने कहा कि जब इनके पास बहुत पैसा नहीं था तब भी इन्होंने डोनेशन दिया, तो
गिरीश कुलकर्णी भी हमेशा कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी में ऑल द लाइट्स विल बी ग्रीन, ऑल द स्टार्स विल बी अलाइंड एंड अब आप कहेंगे कि हम समाज सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 55 साल की उम्र में कहिए कि अब मैं समाज सेवा करूंगा। गिविंग इज अ हैबिट, देना जो है, दाना तो जो है वो एक आदत की बात है और वो आदत बचपन से लगानी पड़ती है। वो आदत हम अपने परिवार में सीखते हैं, जैसे उन्होंने कहा उनके पिताजी साधु संत को ले आते थे, 10 लोग एक 400 स्क्वायर फीट के कमरे में रहते घर में रहते थे और उसमें उनको उठा के खाना खिलाते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंकल आपने ये जो टीम तैयार किया जिसमें निमेश भाई आए, प्रकाश आपटे सर आए, अशोक सेठ सर, अरुण सेठ सर आए, ये जो एक टीम आपने इकट्ठा किया, ये आपने कैसे किया और ये हमारे लिए, हमारे जैसे लोग या कोई अगर चाहता है कि रमेश अंकल के पद चिन्हों पर चले, एनजीओ के बारे में तो हम सुने आपसे, जानना चाहते हैं कि डोनर्स को आपने कैसे लाया सर? ये मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि ये जो काम है ये एक आदमी के बस का नहीं है, तो ये काम यदि करना हो तो यू हैव टू हैव गुड फ्रेंड्स और डूइंग दिस वर्क। तो ये आज जो मेरे तीन चार जो मेन सहयोगी है अपार्ट फ्रॉम दी एनजीओ, उनको उनके बारे में उनकी अवसर में बताना चाहूँगा कि मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड वेल विशर एंड एडवाइजर एंड हु स्पेंड सो मच ऑफ टाइम एट हिज पर्सनल कॉस्ट इज मिस्टर बाबू जोसेफ। बाबू जोसेफ वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एक्सिस बैंक फाउंडेशन। वहाँ पर उन्होंने 7 साल तक हर साल वो 100 करोड़ रुपया, जिस समय 2% CSR कंपलसरी नहीं था उस समय भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो बाबू जोसेफ से मेरी मुलाकात हमारे एनजीओ को सपोर्ट करने के सिलसिले में हुई, पर जब वो करीब 8 साल पहले जब वो रिटायर हुए तो मैंने उनसे वो मेरी अच्छी काफ़ी अच्छी कनेक्शन तो आई, तो मैंने उनसे पूछा था राजू गोई एक अगर जॉब आप दूसरा जॉब लेंगे, क्योंकि आपको तो जो सैलरी एक्सिस बैंक में मिल रही है उससे डबल द सैलरी देकर के आपको कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन आपको पिकअप कर लेंगे। तो बोले नहीं रमेश, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क नाउ फॉर अर्निंग फॉर माई सेल्फ। जो भी अपनी एक्टिव लाइफ है, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है और आजकल 60 साल में तो आदमी बिल्कुल हेल्दी और वो रहता है, तो आई वॉन्ट टू गिव रिमेनिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ, एक्टिव ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू स्पेंड फॉर डूइंग ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्क। तो मैंने कहा सर यदि आप ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्क करना चाहते हैं तो काइंडली मेरे साथ आप मिल जाइए एंड वॉट एवर रेमुनरेशन नॉट लाइक एक्सिस बैंक पर जो भी आप उन्हें देंगे। बट ही सेड आई डोंट वॉन्ट अ सिंगल पैसा फ्रॉम यू बट I will join hands with you। तो मिस्टर बाबू जोसेफ मेरे से जुड़ गए। दूसरा मेरा दोस्त है मानव याग्निक, वो आया है अहमदाबाद का MBA है, 10-12 साल तक उसने इंटरनेशनल बैंक वगैरह में काम किया और मेरी हाई सैलरी से लाहौर आया, बट बाद में उसने कहा यार मेरे पास में मेरा खाना खर्चा चलाने के लिए इनफ है, आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम एक्यूमुलेटिंग मोर मनी। तो उसने मेरे से कांटेक्ट आया, उसका स्वभाव वो भी चोरी है मतलब टाइम नहीं है बताने के लिए, तो वो मेरे साथ जुड़ गया है। तो वो भी बाबू जोसेफ के बाद में स्टील द सेकंड पर्सन है। बाबू जोसेफ ने आज हम लोग करीब करीब 100 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, 100 संस्थाओं में से 65 संस्थाएँ बाबू जोसेफ सर ने जोड़ी है, 25 संस्थाएँ मानव ने जोड़ी है और रिमेनिंग 10 संस्थाएँ क्या निर्माण डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद अपने। इस तरह से आज 100 के ऊपर इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा काम हो रहा है और ये सब मेरे तीसरे फ्रेंड हैं श्री KK बिजनेस वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी उनके पास 50 आदमी काम करते हैं, पर वो बोलते हैं कि मेरे को और मेरा काम बढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि मेरा खाना खर्चा निकल रहा है और रिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बट रिमेनिंग टाइम आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड इन एक्सपांडिंग माई बिजनेस एंड अटेंडिंग टू न्यू बिजनेस। मैं मेरा जो रिमेनिंग टाइम है आई वॉन्ट टू पुट इन फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क और वो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और
अफेक्शन देते हैं मेरे को और काम में भी जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों के जुड़े हुए होने की वजह से ही मैं सब काम कर सका हूँ और मेरे जाने के बाद भी ये काम चालू रहे, इसलिए मैंने इन तीनों आदमियों को, मेरे बड़े बेटे आशीष जो सबसे मेरा बड़ा जुनर है उसके साथ में इनको इंट्रोड्यूस कर दिया है और आशीष को रिक्वेस्ट की है कि बेटे मेरे जाने के बाद भी अपना ये जो रिमेंटेड काम है ये चलता रहना चाहिए और इस काम के लिए ये तीनों आदमी जो तुझे एडवाइस करें वो एडवाइस तो एकदम मान लेना और इसके हिसाब से चलते रहना। तो ये मैंने कोशिश की है, मैं इन सौ संस्थाओं को जो आज मदद जारी है शायद बाद में भी चलती ही रहे, तो कोशिश अपनी यही रहती है कि भाई जो अच्छा काम शुरू हो जाए वो आगे बढ़े, बंद किसी हालत में भी नहीं हो, कम किसी हालत में भी नहीं हो, देट इज माई ठीक है। आगे तो फिर सब करता है तो बढ़िया वाला हिसाब है, उसकी मर्जी से ही चलता है और जब उसकी मर्जी नहीं होगी और वो चाहेगा कि बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा और जब तक उसकी कृपा है तब तक तो ये खूब जोर से चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, इसकी हमको पूरी उम्मीद है। बहुत 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 अच्छा कार्यक्रम आपने, 100 संस्थाएं, करीब करीब 450 करोड़ रुपए अंकल के इस केयरिंग फ्रेंड्स ग्रुप के थ्रू इन संस्थाओं को, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही चीज है जो सबको जोड़ कर रखता है, वो है एक जज्बा, एक पैशन कि मुझे उन लोगों को मदद करना है जो सबकी मदद कर रहे हैं। अंकल का फोकस हमेशा ये रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि, और कई बार उन्होंने पूछा कि अच्छा वो फाउंडर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अंकल का जो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस है वो बड़ा ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है और जब एक बार अंकल कन्विंस हो जाते हैं तो फिर अंकल बाएं दाएं नहीं देखते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मुझे इसे कितना मदद करना है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि तुम काम करो, आगे बढ़ो, हमारा सपोर्ट, हमारा साथ तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंकल का एक यूनिक तरीका है ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढने का। जैसे उन्होंने कहा कि ड्यू डिलीजेंस के बाद सबसे पहले वो खुद सपोर्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा उसकी मदद कर देना, लेकिन पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, और अंकल इज ट्रू एग्जाम्पल और उदाहरण है इस चीज़ के। दूसरी चीज जो अंकल की है और हम जानना चाहेंगे, आज अंकल की उम्र अराउंड 85 ईयर्स है, 85-90 के बीच में है अंकल। अंकल आप अपना एक आज की जो दिनचर्या है आपकी, डे इन द लाइफ ऑफ रमेश अंकल, अगर आप शेयर करें वो हम सब के लिए बड़ी इंस्पिरेशनल होगी, क्योंकि अंकल आज भी 8 फ्लोर तक पैदल जाते हैं, लिफ्ट पे नहीं जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं। तो कुछ यूनिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अंकल के डे इन द लाइफ में आपको पता चलेंगे, तो एक दिन आपका कैसे निकलता है हमसे शेयर कीजिए। मैं उठता हूँ करीब 5:30 बजे, 5:30 बजे अपने नित्य कर्म करने के बाद में करीब 6:30 बजे मैं प्रेयर के लिए बैठ जाता हूँ, तो करीब 1 घंटा मतलब भगवान का नाम लेता हूँ, प्रेयर करता हूँ। आई एम नॉट अ योगा एक्सपर्ट भी हूँ और ज़्यादा फिलोसफी भी नहीं पढ़ता हूँ, ज़्यादा मेरा थर्ड योग पर विश्वास है स्वामी विवेकानंद का जो है कि भाई मतलब ही अलोन लिव्स हु लिव्स फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तो 7:30 बजे तक मेरा ये हो जाता है, उसके बाद में और मैं मतलब घंटा भर थोड़ा सा रीडिंग वगैरह करता हूँ, सोशल मीडिया में करता हूँ, मेरे मैसेजेस वगैरह भी देख लेता हूँ और अखबार वगैरह में भी पेजेस टर्न करता हूँ उसके ये देखने के लिए कि भाई कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्या। तो वो होने के बाद में फिर 8:30 बजे करीब फिर मैं थोड़ा सा एक मामूली सा ब्रेकफास्ट लेकर के आई गो और 75 मिनट्स वॉक, 75 मिनट्स का रीजनेबली फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, पहले मैं 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता था वैसा तो नहीं है, अभी 12 से 15 मिनट में मैं
एक किलोमीटर चलता हूँ। तो हमारी 3 साल पहले 8 अक्टूबर 2019 को माई सन एंड डॉटर इन लॉ को मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे छोटा भाई जो हमारे साथ ही रहता था, उन तीनों को अपने पास ब्यूमान बोमान करके बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है इन वर्ली, वहाँ ले आए। तो बोमान में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज है घूमने के लिए, इतना अच्छा ब्यूटीफुल चारों तरफ, इतनी ग्रीनरी फ्लावर और वो सब है, और मतलब लॉबी जिसको बोलते हैं, वहाँ कोई कार कोई स्कूटर कुछ नहीं आ सकता है। तो आप अपने मन से चारों तरफ हरियाली देखते हुए एंजॉय कर सकते हो, पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हो, फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हो। तो उसमें मैं करीब 75 मिनट्स का वॉक करता हूँ। वॉक करने के बाद में फिर मैं ऊपर चले जाता हूँ वापिस आया, आई स्टे ऑन द 70th फ्लोर। तो वहाँ जा कर के फिर उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर मेरे फोन शुरू हो जाते हैं मैसेज देखने वगैरह के बाद में, क्योंकि ज़्यादा काम मैं पिछले 4 सालों से घर के बाहर निकला ही नहीं था। घर के बाहर मतलब बम्बई में जाता था, इधर उधर कोई इम्पोर्टेंट डोनर है उससे मिलते हैं ना होता है, बट ये मेरा पहला ट्रिप है 4 साल में कि मैं बॉम्बे से निकला तो पहला सीधा न्याला आया वो डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी के पास में, क्योंकि गिरीश ये माँ मतलब हमारे हमेशा वेरी क्लोज टू माई हार्ट रहा है बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड बिकॉज ऑफ हिज पैशन एंड ऑल दैट। तो और साथ ही ये भी टेम्पटेशन था मेरे जो जिनको मैं भाई बोलता हूँ अरुण शेख, और वो मेरे को बड़ा भाई बोलते हैं, तो अरुण जी से मैंने कहा अरुण जी मेरे को न्यायालय चलना है, बोले चलो भाई जब आप उठते हैं तब चलता हूँ, मैं मेरी गाड़ी बड़ी गाड़ी ड्राइवर दे दूँगा, आपको किस तरह की दिक्कत नहीं होने दूँगा। तो हम लोग आ गए यहाँ न्यायालय। तो ये इसके बाद में फिर मतलब मैं करीब करीब 1 बजे तक मेरे फोन फान चलते रहते हैं। अभी आप बोलेंगे कि भाई वो कितने फ़ोन किसको करते हो आप, तो ये 100 संस्थाएँ हैं, इनकमिंग कॉल भी रहते हैं आउटगोइंग कॉल भी रहते हैं, तो चलते रहता है कुछ काम। तो मैंने सुना है अंकल की, अंकल का जो फॉलोअप है और अंकल का जो मैनेजमेंट का तरीका है, रिकॉर्ड कीपिंग है, पिछले 20 साल के जितने भी पत्राचार हुए हैं वो सबका प्रिंट आउट अंकल के ऑफिस में रहता है। तो अंकल 100 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप आज काम कर रहे हैं, मतलब 100 गिरीश कुलकर्णी के साथ, और गिरीश कुलकर्णी के साथ 350 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और इतने सारे बेनिफिशियरीज, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? इस उम्र में भूलते नहीं हैं आप, सही टाइम पे सही आदमी का नाम बताते हैं। आज सुबह हम लोग बातें कर रहे थे और सडनली इन्होंने कहा कि वो फेडरेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर फॉर एक्सेलेंस, उसको आप बात कीजिए, मैं भूल गया तो नहीं भूल तो दैट वो हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे आप मैनेज कर। नहीं, एक तो ये मुझे इंटरेस्ट इतना रहता है इन सब इंस्टीट्यूशन में, और जो मेरे खास करके जो नितिन मिस्टर बाबू जो उसके हैं वो इतना डिटेल में जाते हैं एक एक इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड करने के बजाय, वो 3-4 बार उससे एक एक डेढ़ घंटा फोन पर बात करते हैं टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद भी यदि उनको संतोष नहीं होता है तो वी कॉल दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू बेंगलोर टू मीट मिस्टर बाबू जोसेफ, वी पे हिम फॉर हिज एयर ट्रैवल, वी पे हिम फॉर हिज होटल बिल, बट ही मस्ट कम एंड सेटिस्फाई मिस्टर बाबू जोसेफ, क्योंकि मिस्टर बाबू जोसेफ किसी इंस्टीट्यूशन को मेरे को रिकमेंड नहीं करेंगे जब तक ही हिमसेल्फ इज फुल्ली सेटिस्फाइड। और वो क्योंकि वो एक बार बाबू जोसेफ ने रिकमेंड कर दिया तो फिर मैं ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बाबू जोसेफ ने कहा कि इस इंस्टीट्यूशन को अपने को 5 साल में 2 करोड़ रुपये देना है तो मैं 2 करोड़ के लिए एग्री कर लेता हूँ। बाबू जोसेफ ने कहा उसको अपने को 50 लाख देना है, 50 लाख के लिए एग्री कर लेता हूँ। बट मतलब बाबू जोसेफ विल रिकमेंड, मुझे इतना भरोसा है कि नथिंग कैन पर्सुएड मिस्टर बाबू जोसेफ टू रिकमेंड एन इंस्टीट्यूशन अनलेस ही इज टोटली कन्विंस्ड ऑफ इट्स गुड वर्क, और तभी वो रिकमेंड।
करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही मानव जाति ने स्पेशलाइज किया है, खास करके रामकृष्ण मिशन के लगभग 200 इंस्टीट्यूशन है ऑल ओवर इंडिया, उसमें से मानव ने 25 जो मोस्ट नीडी और मोस्ट डिजर्विंग इंस्टीट्यूशन है वो सिलेक्ट करके मेरे को रिकमेंड किया है। और मानव का भी यही है, वो खुद पर्सनली वहाँ जाएगा कि वो ज़्यादा खुद के एक्सपीरियंस से जाता है। जब भी मैंने उसको भी परसेट करने की कोशिश की कि भाई तुम्हारा ये सब खर्चा कम से कम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो आप मेरे से लीजिए, पर वो ना बाबू जो से एक पैसा मेरे से लेते हैं ना मानव मेरे से एक पैसा लेता है। मेरे तीसरे इंस्टीट्यूशन जो कहीं है जैसे के बिल्कुल वाला, वो यदि कि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन उनकी रिकमेंड की हुई नहीं है, बट ही सच अ पॉजिटिव पर्सन, हर चीज़ में उनको पॉजिटिव दिखता है। और वो मतलब मेरे को वो एकदम इतना ज़्यादा दिखा है और इतना ज़्यादा अफेक्शन है उनका कि हिसाब नहीं है। फिर भाई के जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैं उनको भाई बहुत हूँ, वो एक बड़ा भाई मानते हैं, तो इन सब लोगों की मदद से ये सब काम चल रहा है। और अल्टीमेटली तो सबसे बड़ा फैक्टर जो उन्होंने आज से शुरू में कहा ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के बिना ये हो नहीं सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था कि जिस आदमी के खीसे में चार आने भी नहीं रह सकते थे आज वो 5 लाख का चेक लिखने का हो। तो मैं मेरे खुद के अकाउंट से भी लिख सकता हूँ और कर रहा हूँ। अभी मेरी वाइफ का 80th बर्थडे हुआ कुछ समय पहले, तो मैंने उससे पूछा भाई तुमको क्या चाहिए, बोले गई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आई हैव इनफ ऑफ ज्वेलरी एंड ऑल दैट, क्या करूँगी मेरे पास 80 साल की हो रही हूँ और ज्वेलरी को लेकर क्या करूँगी। तो मैंने कहा और मेरे को बोले कहीं बाहर जाने का शौक नहीं है, आई एम हैप्पी हियर, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, साड़ी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं चाहिए, तो प्लीज दोस्त कैसे बनी हम दिस। तो मैंने कहा भाई तुमको क्या चाहिए, बोले जो आप ठीक समझे वो आप। मैंने कहा ज्वेलरी इंस्टीट्यूशन की मदद करो, बोले तो आप ऐसे ही करते रहते हो, यू कैन डू इट फर्दर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हमारे जो पर्सनल असेट्स हैं उसमें से उसके बर्थडे पे 80 लाख ऑफ दिस ईयर आई ईयर मार्क फॉर वेरी स्मॉल ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन, ऐसी इंस्टीट्यूशन को पैसा देने का डिसाइड किया जिनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लाख 2 लाख रुपये की है, 5 लाख 10 लाख बड़ा 50 लाख करोड़ 2 करोड़ की है, वो सब बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो मेरा बेटा सपोर्ट करता है उसमें से जाता है, पर ये जिनको 1 लाख 2 लाख रुपये की है। और जैसे हमने गिरीश को बोल रखा है भाई ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जिसको 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये के लिए उसका काम अटक रहा हो तो ब्रिंग इट टू माई नोटिस, बट पहले तुमको जाकर के उस इंस्टीट्यूशन को देखना पड़ेगा, काम को सर्टिफाई करना पड़ेगा, तुम्हारे सर्टिफिकेशन के बेसिस पे मैं उसको 1 लाख रुपया 1 मिनट में भेज दूँगा या 2 लाख रुपया भेज दूँगा, बट यू हैव टू सर्टिफाई। तो गिरीश ने कई इंस्टीट्यूशन आए, मेरे ख्याल से 8-10 इंस्टीट्यूशन तो गिरीश ने भेजे हुए उनको मैं करते रहूँ। अंकल 70 इंस्टीट्यूशन भेजी है मैंने आपको, 70 जगह दिया है आपने मदद मेरे कहने से। तो भारत में करीब करीब 6 लाख एनजीओस हैं और एनजीओस का मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई है, एनजीओस जो शुरू होते हैं और बंद हो जाते हैं, कुछ इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके मकसद और उनके जो टारगेट्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इसलिए एनजीओस बंद होते हैं क्योंकि उन्हें समय पर वो 1 लाख रुपया नहीं मिला, उन्हें समय पर क्योंकि उनका इतना बड़ा नाम नहीं है, उनका काम इतना बड़ा नहीं है कि वो बड़े डोनर्स से पैसा ले सके, तो उनके लिए वो 1 लाख रुपए का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि सही समय पे अगर उनको मदद मिलता है तो वही ऑर्गेनाइजेशन बाद में परिवार बन जाते हैं, स्नेहालय बन जाते हैं, समैरिटन बन जाते हैं। अगर छोटा सा और हम लोग अगला 5-10 मिनट में वार्तालाप खत्म करेंगे, स्नेहालय के साथ आपका जो संबंध रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है, अंकल को किसी परदेश से आदमी आए हुए आदमी अंकल को यहाँ पे लेके आए, आज डॉक्टर नोबेल जो कि स्नेहालय में अंकल को लेके आए, अंकल यहाँ पे आए उन्होंने देखा काम और उसके बाद जो भी है वो कहानी आज तक की है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें जो स्नेहालय में आपने देखी जो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लेके गए, क्योंकि
क्योंकि आप कई बार हमने देखा है आप हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छा काम हो रहा है वो हमें बताते हैं, कहते हैं उनसे जाके सीखो, उनसे जाके पूछो। तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो स्नेहालय थी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में? स्नेहालय में व्हाट अपील टू मोस्ट वाज कैन दे वेयर वर्किंग फॉर रेस्क्यूइंग द पुअर विमेन हु वेयर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन अगेंस्ट देयर विल। तो दिलीप ने मुझे बताया कि इस तरह का वो है सीन, और मुझे एक्चुअली दिलीप लेकर के गया रेड लाइट एरिया में, वहाँ बताने के लिए कि किस तरह की उनकी हालत है। और मैं यहाँ पर के न्यायालय में विजिट किया पहली बार अपने निगम होटल के साथ, तो उस समय दिलीप ने मुझे बताया कि इस तरह की स्थिति है। आई डू नॉट नो दिलीप, इट वॉज अपने निगम होटल कोई इंफ्लुएंस नहीं मिली, तो वो देख कर के। और फिर दिलीप ने ये भी बताया कि भाई किस तरह से मतलब उनको प्रॉब्लम आते थे कि दिलीप बताना था कि भाई यदि हमको पहले इनिशियली जब हम विमेन वगैरह को रेस्क्यू करना चाहते थे तो वी यूज टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज ए कंप्लेंट कि भाई इसी तरह की लड़की कलकत्ता से यहाँ लाई गई है, बंगाल से यहाँ लाई गई है और इस कोठे में है एंड आप उसको रेस्क्यू करो। तो मुझे रेस्क्यू करना तो अलग रहा, पुलिस उसको एक दो दिन तक तो कोई एक्शन लेती नहीं थी और एक दो दिन के बाद जब एक्शन लेती थी या एक्शन ले लिया और वो एक और वोक करती थी तब तक वो लड़की वहाँ पर रहती नहीं थी। तो वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्या है इतनी मेहनत करके हमने ये निकाला है और ये वो तो लड़की नहीं गायब हो गई वहाँ से। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे बताया गिरीश ने, बोले हमने युवा वाहिनी बनाई, युवा वाहिनी बोले हमने 16-17 अच्छे हृष्टपुष्ट तगड़े और अपने विचार के पक्के यंग आदमियों को हमने रिक्रूट किया। और फिर हमने क्या किया कि जब हमको खबर मिलती थी कि ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे कोठे पे एक नई लड़की लाई गई है प्लीज रेस्क्यू कर, बोले हमने विमेन को जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको उनको इतना सेंसिटाइज किया कि भाई आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है और कोई दूसरी नई लड़की आपकी है उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो, उसके बारे में हमको बताओ उसको रेस्क्यू करेंगे। तो बोले फिर हमने क्या किया कि हम रातों रात हमको जैसे ही खबर मिली हम हमारी ये सब युवा वाहिनी को घर करके एक उसमें वहाँ पहुँच जाते थे और वो लड़की को रेस्क्यू करवा देते थे। अब ये 16-17 हृष्टपुष्ट आदमी को देख करके उनके जो गूम सीस रहते थे उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी उनसे पंगा लेने की अलावा, और बोले उसको ला कर के हम यहाँ ले कर रखते थे और फिर दूसरे दिन जा कर के हम पुलिस को कंप्लेन करते थे। और ये इसलिए कर सके कि हमारी जो चाइल्ड लाइन है तो चाइल्ड लाइन वॉज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो हमारी जो जीप वगैरह थी उस पर हम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टीकर लगा रखते थे, तो वो जाकर के और इस तरह से इश्यू करके वो कर। तो मुझे लगा कि बहुत ही मतलब एकदम यूनिक काम है कि यहाँ मतलब अपनी ऑफिशियल पोजीशन का उपयोग करके इस तरह से यंग लड़कियों को बचा रहे हैं लौदा, तो वी मस्ट हेल्प। एंड फिर मतलब प्रोजेक्ट उस समय जिस समय मैं जुड़ा उस समय भी कम से कम 10-12 प्रोजेक्ट तो होंगे इतने आने के, बट दिलीप ने ये समझाया कि ये सब प्रोजेक्ट जो हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू दी विमेन वेलफेयर प्रोग्राम। तो इस तरह से आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई इस तरह की जो हेल्पलेस वीमेन है उनके बच्चे हैं उनके लिए इतना अच्छा काम हो रहा है, तो आई मस्ट एक्सटेंड सपोर्ट। तो फिर मैंने दिलीप को सपोर्ट करना शुरू किया, वो दिन है और आज का दिन है चलते रहता है। दिलीप की बहुत सारी पहली जो थोड़ी सी इडियोसिंक्रेसीज थी वो भी मैंने मतलब राउंड अप करने की कोशिश की, उसको समझाया, उसकी वजह से गिरीश के पहले मतलब निवेश भाई भी बहुत बड़े डोनर थे पर निवेश भाई वॉज सो कट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस इडियोसिंक्रेसी कि गिरीश बोलता है 12 बजे लंच के लिए आऊँगा और शाम को 6 बजे उसका फोन आता है कि मैंने तो आज आ ही नहीं सका है नॉर्मल क्योंकि मैं कोई दूसरे काम में फंस गया था। तो निवेश भाई वही थोड़े से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही नहीं है तो उनका भाई मेरे साथ तो ये नहीं चल सकता, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि काम आ गया है पर काम आ गया तो मेरे को फोन तो करो कि मैं 12 बजे नहीं आऊँगा मैं 6 बजे आऊँगा,
फोनिंग कर रहे हो, पर मैं मेरे मन में थोड़ी सी ज़्यादा वो थी अकोमोडेशन की फीलिंग। मैंने कहा यार ठीक है, अब यदि नहीं बताया तो नहीं बताया, काम तो अच्छा कर ही रहा है ना। तो वैसे भी मेरे अब नहीं है कि थोड़ा सा फर्क गई कि मेरी बहन ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, मैं इतना ज़्यादा गर्म और नरम, हाँ गर्म और नरम वाला हिसाब है। तो उसकी वजह से निवेश भाई ने काफ़ी हद तक अपना कनेक्शन एक बार बंद जैसा कर दिया था, और फिर फिर से वापस इनके अच्छे काम से खुश होकर थे थोड़े से गिरीश के बिहेवियर भी चेंज आने से। अभी भी उनके डोनेशन जहाँ तक मुझे मालूम है डोनेशन नहीं है यहाँ देखो, पर कम से कम गुडविल टू अ सर्टेन एक्सटेंट कैन बी रिस्टोर। तब मुझे मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि आई वाज आल्सो अनॉयड मेनी टाइम, मैंने कभी सॉर्ट ऑफ गिरीश को नज़रअंदाज नहीं किया कि भाई जाओ मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। देखो मुझे लगता है कि हर टर्न पे आपने स्नेहालय की मदद की है। कुछ ऐसे टर्न्स मुझे याद हैं जब सत्यमेव जयते शो में स्नेहालय को फीचर किया गया था, तो उस समय एक मैचिंग ग्रांट का दौर था जब रिलायंस फाउंडेशन मैचिंग ग्रांट दे रहा था, और मुझे याद है कि अंकल ने उसमें बहुत बड़ा रकम स्नेहालय को दिया था ये सोच के कि इसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन भी उसको हेल्प कर रहा था। तो उसके लिए था ना कि भैया जी अपने 1 करोड़ देने से 1 करोड़ की दूसरा देने के लिए तैयार है। तो उसकी वजह से स्नेहालय जो थी, करीब 13 ऑर्गेनाइजेशंस थी उस लिस्ट में, स्नेहालय जो थी सो सबसे ज़्यादा फंड रेज कर पाई थी उसका, एंड वो जो बिल्डिंग आप देखते हैं सत्यमेव वो उसी की वजह से, चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे वो गिरीश का अमेरिका जाके लोगों से सारे डोनर्स से मिलना हो, हर स्टेप पे अंकल का प्रोत्साहन रहता है। और मैं कहीं भी रहता हूँ मुझे कहानी पता रहती है कि अंकल का अभी कौन से नए प्रोजेक्ट के लिए गिरीश के सर के ऊपर हाथ है, ये मुझे हमेशा है। तो हमेशा पिछले 17 साल 18 साल से अंकल का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है, और हर तरह से आशीर्वाद। इन्होंने हमें रास्ता दिखाया, इन्होंने हमें चलना सिखाया, इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है वो हमें सिखाया, इन्होंने जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी इन्होंने बताया कि उस दिशा में जाओ, कभी अपने जेब से पैसे निकाल के दिए, कभी अपने दोस्तों को कहा कि उनको सपोर्ट करो। तो रमेश अंकल की जो ज़िंदगी है अगर हम लोग देखें इतनी मल्टी डायमेंशनल है, 100 संस्थाओं की कहानियाँ, 100 संस्थाओं की बातें, अंकल का एक अपना एकेडमिक करियर, अंकल का एक नेटवर्क ऑफ डोनर्स, ऐसे इतने लोग हैं जो अगर अंकल कह देते हैं कि वहाँ पे इस संस्था को मदद करना है नो क्वेश्चंस आस्क, वो आदमी सिर्फ चेक लिखता है। तो अंकल ने ये सारी चीज़ें जिंदगी में अचीव की है। लोग वॉरेन बफेट की बात करते हैं, लोग बिल गेट्स की बात करते हैं जिन्होंने अपने बहुत बहुत बड़ा चंक अपने वेल्थ का उन्होंने समाज को दिया है, अंकल ये बहुत सालों से लोगों से करवा रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों से इस तरह के कमिटमेंट्स किए हैं। जैसे अभी उन्होंने बहुत आसानी से ये कह दिया कि 80 लाख रुपए का इन्होंने प्रोविजन रखा है जो कि सिर्फ छोटी संस्थाओं को मदद करे। एक बहुत यूनिक बात मैं अंकल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी संस्था में अंकल का नाम आप नहीं, सत्यमेव जयते भवन में अगर आप जाएं तो वहाँ पे तस्वीरें बनी हुई हैं, और वो तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आज की जो जेनरेशन है वो पूछे ये लोग कौन हैं, उनमें से बहुत लोगों को जानते हैं और उनमें से बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, फिर जिज्ञासा हो कि किसकी तस्वीर यहाँ बनी है, तो वो वजह है ताकि आप जानें उनके काम के बारे में जानें, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सक्सेस स्टोरीज जानते हैं तो आप उसको अनुसरण करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं। हमने अंकल का भी तस्वीर वहाँ पे, एक आर्टिस्ट है अनिल गुड़िया के भाई हैं अरविंद गुड़िया आर्ट टीचर हैं, उन्होंने ये सारी तस्वीरें बनाई, तो हम लोगों ने अंकल की तस्वीर भी वहाँ पे रखी, ये जानते हुए कि अंकल को ये नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत किया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी कौन, जो संस्था चलाती है वो, और जो डोनर्स हैं, हमारे यहाँ हजारों लोग आते हैं साल भर में, कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, और दूसरी तरफ संस्थाएं आती हैं,
तो उन सबको जब ये चेहरे दिखते हैं तो उनको पता चले कि उन्होंने क्या किया। हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अंकल के रास्ते पर चले, अंकल के रास्ते का अनुसरण करें, तो ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन अंकल ने हमसे कहा ये तस्वीर यहाँ से आया। तो बहुत लोग कहते हैं अंकल को पद्म विभूषण मिलना चाहिए, इस किताब में पोपट राव जी ने लिखा है कि अंकल जैसे मनुष्य को, अंकल के काम को पद्म विभूषण मिलना चाहिए। लेकिन आज तक कभी भी अंकल का इन चीज़ों में रुचि नहीं रहा, ये मकसद ही नहीं रहा, उस रास्ते पे कभी गए ही नहीं। तो आखिरी सवाल अंकल आपके लिए, ये जो सभा है और बहुत सारे लोग जो कि इंटरनेट पे आपको सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, आपके क्या संदेश है, हम लोगों के क्या चाहते हैं आप लोगों से? मैं ऐसा जब भी कोई अवसर मिलता है तो मैं सब लोगों को एक ही सलाह देता हूँ कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि आप खुद स्वस्थ रहें। यदि आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो ही आप कोई अच्छा काम करने की सोच सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही, मेरे को आज ये बीमारी है, आज कल वो बीमारी है, आज मेरे को इस डॉक्टर के पास जाना है, आज उस डॉक्टर के पास जाना है, आप उसके बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। इनफैक्ट ये मेरी प्रार्थना का रोज का अंग है कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भाई एक तो इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे और मेरे इमीडिएट परिवार के सभी सदस्यों को यू हैव ब्लेस्ड अस विद गुड हेल्थ, और दूसरा भगवान का धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि भाई तूने गुड हेल्थ तो ब्लेस किया ही किया, साथ में मुझे ये समझ थी, ये अंडरस्टैंडिंग थी कि यदि मुझे कुछ भी अच्छा काम करना है, चाहे स्वार्थ का हो चाहे परमार्थ का हो, तो उसके लिए गुड हेल्थ बहुत जरूरी है। यदि आज मैं कहता हूँ कि भाई मैं सार्वजनिक काम करता हूँ विद टॉकिंग टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दैट, 6 घंटा 7 घंटा 5 घंटा एवरी डे इंक्लूडिंग सैटरडे संडे, तो तभी हो सकता है जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। यदि मैं खुद बीमार पड़ जाऊँ कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो ये दूसरा, और तीसरा मैं भगवान को फिर से अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हुए ये भगवान को फिर से तीसरा धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि तूने मुझे ये समझने की बुद्धि दी कि अच्छा स्वास्थ्य तूने तो एक बार दे दिया है, पर उसको मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझ तूने मुझे दी। और इसलिए बचपन में 16 साल की उम्र से आज तक मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहा हूँ। दैट इज दी ओनली थिंग which maintains me, which sustains me even today. कि मैं अभी जैसे पिछले 30 साल से अब मैं कोई स्विमिंग भी ज़्यादा नहीं, स्विमिंग पूल वैसे अभी तो यहाँ है जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ, पर मैंने बहुत 30 साल से ये अपना फास्ट वॉकिंग डिवेलप किया है। ये मैं घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा वॉक करता हूँ रोज एंड ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट एंड जिससे कि ये मेंटेन काम आगे जा सके। थैंक यू अंकल, बहुत धन्यवाद। मैं आपका और बहुत सारी संस्थाओं के बिहार के अंदर मैं आपको सक्षम नमस्कार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा हमारा हाथ थमाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं समझना ही चाहूँगा, फिर से एक बार जोड़ना चाहूँगा कि ये सब होता भगवान की कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इस विचार को हमेशा अपने मन में रखिएगा कि भाई अंकल कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की मेहरबानी से हो रहा है। मैं जेन्युइनली ये बिलीव करता हूँ, और मेरे जो मिस्टर बाबू जोसेफ हैं, मानव यात्री है, के जिंदल वाला है, ये सब लोग गिरीश के जैसे जो NGO है, गिरीश है, मामून अख्तर है, विनायक है परिवार का, वो भी इस बात में बिलीव करते हैं
कि भाई करता धरता तो सब कन्हैया ही है, अपने हाथ से सिर्फ एफर्ट करना है, एज लॉन्ग एज वी हैव मेड सिंसियर एंड ऑनेस्ट एफर्ट, जो भी रिजल्ट हो इट डज नॉट मैटर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने आपको हेल्थ के बारे में जो एक छोटी सी बात बताई, उसको ध्यान रखिए रेगुलरली, कुछ भी वॉट एवर एक्सरसाइज यू लाइक, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप वर्किंग वूमन हो, चाहे आप मतलब जो भी हो, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, जो भी आपको सूट होता है, योगा करिए, वॉट एवर यू लाइक, बट डू समथिंग एंड कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्थी। विद दिस वेरी बेस्ट विशेस आई कंक्लूड माय दैट। थैंक यू सो मच।